गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास सभी के सभी कमेंट्स पर आएंगे और कमेंट कीजिए किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पिक्चर क्वालिटी एंड वॉइस इज ऑस ठीक है। पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो इज ओके। जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास फास्ट। ओके जल्दी से कमेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट सुनील बोहरा स्वागत करता हूं आपका, इस्तकबाल करता हूं मेरी रीजनिंग की क्लास के अंदर। और टॉपिक का नाम है हमारा क्या, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ओके चलो गुड। अरे वाह क्या बात है। तो जल्दी से सभी जुड़ेंगे मेरे साथ। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मिलता है। आप स्टेट का या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दीजिए जहां पर रीजनिंग आती है, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका सीडीएस का हो, एनडीए हो, बैंक हो, या कोई भी अदर वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां पे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है। यस और नो? बिल्कुल। चलो नितिन, एसके, डफर, ओके, अरुण, फारूक, प्रकाश, गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारे और अदर स्टूडेंट्स भी हमसे जल्द से जल्द जुड़ पाए। ओके चलिए जल्दी से सब कुछ ठीक है। ओके सब कुछ झकास चल रहा है सर। चलो डफर गुड, या डफर नाम चेंज कर लो, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है ना। ओके तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए देखिए, रक्त संबंध एक ऐसा टॉपिक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर अपने ऊपर लेकर देने की सोचते हैं, हाँ या ना। बस मुझे आज आपका वही कॉन्सेप्ट खत्म करना है। कुछ क्वेश्चंस में तो वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं, इजी क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है, जहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो सर वहां पर वो ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होती है। अगर होती भी तो बहुत दिमाग घुमाना पड़ता है। लेकिन सर कुछ ऐसा बता दो आज की क्लास में कि हमें चुटकियों में आंसर आ जाए। लेकिन देखो चुटकियों में तो आंसर नहीं आते हैं, ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लास हमको संबंध बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगा ब्लड रिलेशन का, इसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो ओके, गुड मॉर्निंग फारूक, दीपक, मान सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास क्या होता है ब्लड रिलेशन? तो ब्लड रिलेशन में सर सीधी सी बात है, हमारी फैमिली होती है। ओके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, मैं सीधी सी बात में बात करता हूं। आप सभी जानते हैं कि कौन आपके दादा है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, मौसा है। आपके नीचे की जो जनरेशन होगी, कल को आप पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, आपके जो बच्चे होंगे उनकी जनरेशन होगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो इस प्रकार के जो भी आपके रिश्ते होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं वो क्या होती है क्लास, आप कहेंगे सर हमें पहले वो बताओ कि नातिन क्या होती है, या फिर साला क्या होता है, साली क्या होती है, जीजा क्या होते हैं, दामाद क्या होते हैं। सर ये सारी चीजें आपको पता है, इनमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, सीधे आते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा रक्त संबंध होता है इसमें हमारी छोटी सी फैमिली होती है। अच्छा कहीं कहीं पर फैमिली बड़ी भी हो जाती है, और उस फैमिली में कि कुछ हमारे बड़े दादा होते हैं, दादी होती हैं, या नाना नानी होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, हम भी तो होते हैं बच्चे, अच्छा उनके बच्चे हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल ओके। काफी स्टूडेंट से पढ़ रहे होंगे जिनके ऑलरेडी बच्चे होंगे, तो उनके भी बच्चे होंगे, पेट भी होगा। चलो डॉग को इंक्लूड नहीं करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल सर, इसे इंक्लूड नहीं करना है, सीधी सी बात है कि हमें इस प्रकार की जो रिलेशंस होंगे हमारे दादा दादी के, मम्मी पापा के, उनको हमें जस्टिफाई करना है, बताना है। ओके चलो, गुड मॉर्निंग अरुण, निर्मा, गुड मॉर्निंग सभी को, नाइस, थैंक यू। चलो अरुण चलते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि रक्त संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न या टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे रक्त संबंध में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सर सबसे पहले पजल यानी कि पहेली होता है ना, ए बी का भाई है, बी सी की मौसी है, ठीक है, अच्छा सी जो है वो ए का दादा है, जो भी लगा लो। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जब बड़ी पहेली सी बना दी जाती है उसे बोलते हैं क्या, पजल फॉर्म। सर दूसरा टाइप कौन सा होता है? सर दूसरा होता है कोडेड रिलेशन, यानी कि यहां पर संबंधों को एट द रेट हैश डॉलर
कॉपीराइट स्टार इनके सिंबल में दर्शा देते हैं, ठीक है। अरे वाह नितिन फैमिली, गुड, चलो बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी हमारा राम राम, ओके भूप सिंह राम राम, ओके खनी खम्मा, ठीक है चलो ओके। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, पॉइंटिंग, ठीक है, दर्शाते हुए इशारे करते हुए। अच्छा हमें यहाँ पे इशारे मत करना क्लास, इशारा करना बहुत ही गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इशारा करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो वहां पे बोलते हैं ना क्वेश्चन में कि एक औरत या एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या बोलता है कि ये औरत मेरी मम्मी की बेटी की सिस्टर है। बात समझ आ रही है? तो बताइए क्या होगा। जब कोई फोटो फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, तो देखो दर्शाते किसको हैं, इशारा कहां करते हैं, सर दर्शाते हैं किसी फोटो फ्रेम को, किस फोटो में लगी हुई जिस फोटो में जो लेडीज है या जेंट्स है वो इस फलाने फलाने का क्या लगेगा। इशारा करते कोई बंदा सामने खड़ा हुआ है हमारे, उसको बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये अरुण की मम्मी के भाई का लड़का है। बात समझ आई? बिल्कुल। तो वो होता पॉइंटिंग फॉर्म, इशारा करते हुए। गुड मॉर्निंग सरोज, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी क्या सर, एक फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से फैमिली ट्री होगी, दादा दादी होंगे, बात समझ आ रही है, फिर उसके नीचे पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल सर, फिर हम होते हैं, फिर हमारे नीचे हमारे बच्चे होते हैं, यानी कि वो हमारे क्या हो गए हमारे सन डॉटर, बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना पड़ता है सर, फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल, चलो गुड गुड गुड, चलो राम सिंह ग्रेट। चलते हैं आगे की ओर, अब स्टार्ट करेंगे पजल फॉर्म से, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। चलो क्लास देखिए, अगर एक व्यक्ति और एक औरत होती है खड़ी हुई है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम कैसे बताएंगे क्लास कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सर कुछ तो अंतर होगा कि इनके बीच में आप रिलेशंस का अंतर बता सके, ठीक है, बिल्कुल सर। तो वो डिफरेंस क्या होता है जिससे आप इनके बीच में अंतर बताएंगे, तो सर वो डिफरेंस आपके दो होंगे, कौन कौन से होंगे, चलिए देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा आप, ठीक है क्लास। फर्स्ट की बात करते हैं, जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर, बिल्कुल सर। देखो कॉमन सी बात है कि हम हैं, ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो कि हम फर्स्ट पीढ़ी पर हैं तो हमसे जो सॉरी हम मान के चलो सेकंड पीढ़ी पर हैं, ठीक है, हमसे ऊपर क्या होंगे हमारे पापा, कौन सी जनरेशन होगी क्लास जल्दी से बताएंगे, अगर हम सेकंड पर हैं, ठीक है, तो कौन सी होगी वो, हमसे पहले वाली जनरेशन, बात समझ आ रही है, फिर दादा उससे पहले वाली जनरेशन में हमारे बच्चे होंगे, वो हमसे नीचे वाली जनरेशन में होंगे, बात समझ आएगी, बिल्कुल सर। जनरेशन के द्वारा हम गैप बताते हैं, बिल्कुल। डाटा अपर्याप्त है सर, डफर मुंडा डेटा को अपर्याप्त मत करो, नहीं तो आप अपर्याप्त हो जाओगे एग्जाम के अंदर। अभी के लिए इतना देखिए कि आप जनरेशन गैप से पीढ़ी के अंतर से उनका रिलेशन बता सकते हैं। दूसरी चीज, इसके साथ साथ सर आपको एक चीज और चाहिए होती है, खाली जनरेशन गैप से आप नहीं बता सकते हैं, ओके। दूसरी क्या होगी सर, जेंडर यानी के लिंग, ठीक है, वहां पर जो दो बंदे बताए गए हैं आपको वो क्या दोनों के दोनों मेल हैं, क्या दोनों के दोनों फीमेल हैं, या एक मेल एक फीमेल है, सर कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों की सहायता से आप क्या बताते हैं कि नहीं भी दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन बताते हैं, यानी कि संबंध बताते हैं। बात समझ आई? बिल्कुल सर। चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूं सर, एक शब्द आता है हमारे पास में क्या, सिबलिंग यानी के सहोदर। सर ये सिबलिंग क्या होते हैं, सहोदर क्या होते हैं, तो देखो सिबलिंग होते हैं एक ही मां की संताने, बात समझ आ गई। आप बोलते ना ब्रदर सिस्टर्स, इस प्रकार से नहीं बोलते, मान के चलो कि आप एक व्यक्ति हो, आप अरुण नाम है आपका, ठीक है, अच्छा आपके घर में दो सिस्टर और दो भाई हैं, तो टोटल कितने हो गए आप सर, 5 हो गए, बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 4 सिबलिंग्स, कि मेरे 4 सिबलिंग्स हैं, यानी कि सहोदर हैं, एक तो आप खुद हो गए और 4 बाकी आप पे क्या हो गए, सहोदर यानी कि एक ही माँ के बच्चे, उसमें लड़का भी आ जाता है और लड़की भी आ जाता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, चलो डन आगे चलें। गुड मॉर्निंग हंजू, एस के बाबला, क्या बात है, स्माइले पास हो रही है सबकी, स्टार्ट करते हैं। तो सर सीधी सी बात यहां पर आती है कि सिबलिंग क्या होते हैं, एक ही मां की संतानें होती हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। यहां पर गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, यहां पर हम कैसे बताएंगे कि क्या मेल है और क्या फीमेल है, सर कैसे बताएंगे कि क्या मेल है और क्या फीमेल है। तो क्लास इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक,
का ब्रज संबंध का मेरे लिए आज के लिए उसको साइड कर दीजिए और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। क्लास कब तक होगी, दिरमा देखते कब तक चलती है, आज टॉपिक में फिनिश कर जाऊंगा। अगर आप कॉपरेट करेंगे साथ साथ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझेंगे तो जल्दी जल्दी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और टाइम हमारा ज्यादा नहीं लगेगा। तो सर देखो जहां पर मेल होगा मेल को दिखाएंगे हम ट्राइंगल की सहायता से, ठीक है, मेल को दिखाएंगे हम किसकी सहायता से क्लास, ट्राइंगल की सहायता से। और फीमेल को दिखाएंगे किसकी सहायता से, सर फीमेल दिखाएंगे हम किसकी सहायता से, जस्ट वेट, ट्राइंगल और सर्कल, ठीक है। मेल होगा आपका ट्राइंगल की सहायता से और फीमेल को दिखाएंगे हम सर्कल की सहायता से। क्लियर है क्लास इतना, बिल्कुल। चलो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ओके क्लास, डन है सर, चलो आगे चलते हैं। ओके चलिए बात करते हैं आगे। सर कंप्यूटर की क्लास नहीं होती क्या अभिषेक, कंप्यूटर हमारा ओवर हो चुका है, आपको हमारे एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर विद सुनील सर, उसके अंदर जाएंगे आप और अपनी सारे क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। आरपी के अंदर जो क्लासेस थी वो मैंने फिनिश करा दी हैं, ओके क्लास डन है, चलो चलें आगे, जस्ट वेट, ठीक है। चलो अगर क्लास हम रिश्तों की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि हमारे सबसे टॉप जनरेशन क्या होती है, हमारी हमारे दादा दादी होते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर दादा दादी होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बात समझ आ गई, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, अच्छा हमारे नाना नानी होंगे वो भी इसी जनरेशन में आएंगे, बात समझ आ गई, बिल्कुल सर हमारे दादा दादी के साथ में नाना नानी इसी में आएंगे। फिर उससे नीचे कौन सी पीढ़ी आती है सर, सेकंड पीढ़ी आएगी हमारी कौन सी, हमारे पेरेंट्स वाली, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर हमारे पेरेंट्स वाली आएगी, ओके। और पेरेंट्स के साथ में सर ये कौन सी पीढ़ी होगी आपकी, सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या बोलेंगे क्लास हम, यहां पे हो गए मां और पापा यानी के मदर फादर। अच्छा सर इस जनरेशन के अंदर जितने भी आपके रिलेशंस हैं आपसे जस्ट ऊपर वाले यानी के आपके चाहे पापा हो मम्मी हो या फिर आपके पापा के घर वालों की तरफ देखा जाए तो चाचा, ठीक है, चाची, उसके बाद ताऊ ताई जो भी है सारे के सारे आपके वो इसमें आ जाएंगे। और मम्मी की तरफ देखा जाए तो मम्मी की तरफ मामा मामी मौसा मौसी, ठीक है, इस प्रकार से। तो कोई भी रिलेशन हो आपसे ऊपर के बुआ फूफा, ठीक है, मौसा मौसी मामा नानी सॉरी मामी, वो सब किस में आएंगे आपके क्लास, सेकंड जनरेशन के अंदर आएंगे। और सर थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं, सर हम आते हैं, हम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो हम आते हैं थर्ड जनरेशन में, बिल्कुल सर थर्ड जनरेशन में हम आते हैं। तो बस इसीलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, सन डॉटर, ठीक है, बेटा या पुत्र पुत्री। और यहां पर जितने भी आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके कजन सिस्टर कजन सिस्टर कजन ब्रदर होती हैं, ध्यान रखेंगे कभी भी कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं बोलते इंग्लिश में, सिर्फ कजन बोलते हैं, ओके। तो जितने भी आपके रिलेशन होंगे यहां पर वो इधर आएंगे। अच्छा इससे नीचे जाओगे, बात समझ आ रही है, तो और नीचे रिलेशन बन जाएगा आपका। बस बेसिक बात है क्लास के, इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, जनरेशन गैप होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार की जनरेशन होती है, मोस्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है। आपका पुत्र पुत्री पुत्र वधु सब आपकी थर्ड जनरेशन पर आएगी, क्लियर है बिल्कुल सर, ओके। चलो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप सभी के सभी, चलिए क्लास आगे, बिल्कुल सर। चलो अब देखेंगे, अब मैं आपको रिलेशन बनाना सिखाऊंगा यहां पर, और सभी के सभी कमेंट बॉक्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है क्लास, बिल्कुल सर स्क्रीन पर ध्यान देने वाले हैं अब हम। देखो ए बी का पिता है सर, ए बी का पिता है, चलो तो सर एक बात करते हैं, देखो ए बी का पिता है तो ए ऊपर आएगा नीचे आएगा, सर ए तो ऊपर आएगा, बात समझ आ गई, बिल्कुल सर ए ऊपर आएगा क्योंकि पिता है, और पिता है तो मतलब मेल, और मेल किस में आया क्लास, सर मेल आएगा ट्राइंगल में, और किसका पिता है, बी का, बात समझ आ गई, हाँ या ना, बिल्कुल सर बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सर माँ है तो माँ ऊपर आएगी, अच्छा ए जो है माँ है किसकी, बी की, तो ए ऊपर आएगा, और माँ है तो सर फीमेल है, किसका मतलब किसमें आएगा वो, सर सर्कल के अंदर आएगा, डन। आगे चलते हैं, सर ए बी का बेटा है, देखो सर ए जो है ना बेटा है तो ए नीचे आएगा इस बार, क्योंकि बेटा है सर किसका, बी का, अच्छा अच्छा ए बेटा है, बेटा यानी कि मेल है, तो सर किसमें आएगा ये आपका, ट्राइंगल में आएगा, बात समझ आ रही है, क्या बी के बारे में पता है, सर नहीं पता, ए के बारे में पता है,
चलो सर, ए और बी का भाई, देखो ए और बी भाई हैं सर, भाई हैं तो सेम जनरेशन में आएंगे, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, दोनों के दोनों भाई हैं तो क्या होगा आपका, सेम जनरेशन में आएंगे, और दोनों भाई है तो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, ट्राइंगल में बंद होंगे, बात समझ आ गई? क्लास ध्यान से समझेंगे, ओके? बिल्कुल सर, पटवार में का टाइमिंग क्या रहेगा मंडे को? निर्मा मंडे का टाइमिंग मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैं तो खुद कल छुट्टी पर हूं, आप मैनेजमेंट पे पूछ सकते हैं कॉल करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास आपका, ए बी की बहन है सर, यहां देखो ध्यान से देखेंगे आप कि सर ए जो है ना वो बहन है, बहन है तो किसमें आएगा सर, सर्कल में, और बहन किसकी है, बी की, तो बी की तो सेम जनरेशन तो बिल्कुल बराबर में बनेगा इसके, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। और बी ए का भाई है सर, बी जो है ना ए का भाई है, तो ए का भाई है तो क्या हो गया, बी इसका मतलब मेल है, तो ट्राइंगल बन गया, बात समझ आ गई? क्लियर है क्लास? बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं, बी ए की, सॉरी ए बी की पत्नी है सर, देखो ए और बी पति पत्नी है, बात समझ आ रही है सर, ए की जनरेशन में होंगे तो ए बी की पत्नी है। अच्छा क्लास, यहां पर आप कभी भी वो डिवोर्स, ठीक है, या फिर कोई विधवा, इस टाइप के रिलेशंस को आप यहां पर नहीं लेंगे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ना कोई दोस्त का रिलेशन होता है यहां पर, बात समझ आ गई? बिल्कुल। चलो ए बी की पत्नी है सर, ए अगर पत्नी है तो पत्नी किस में आएगी सर, सर्कल के अंदर आएगी, और किसकी पत्नी है सर, बी के बारे में है, ठीक है, बी की पत्नी है। क्या बी के बारे में पता है बी क्या है? अरे सर यहाँ तो कंफर्म है, यहाँ पे वो वाला जो नया आर्टिकल लागू हुआ था ना कि आज के टाइम पे मेल मेल से फीमेल फीमेल से शादी कर सकते हैं, तो क्लास वो चीज यहाँ पे अभी लागू नहीं हुई है, ठीक है, वो चीज मत सोचिएगा। तो सर सीधी बात है, अगर दोनों पति पत्नी है, अगर ये बीवी है तो ये क्या होगा सर, हस्बैंड होगा, पति होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और इसी की राह पर तो बैठे हैं आप, कब हमारी शादी हो, जॉब लगे और हम भी क्या बने, किसी के पति। चलो कोई बात नहीं, जल्दी बनाएंगे आपको। ए बी का चाचा है, ठीक है, बिल्कुल सर, ए जो है ना चाचा है, तो चाचा ऊपर आएगा सर, किसका चाचा है, बी का चाचा है। कैसे बनाओगे? अरे सर नहीं, बस यही गलती करते हैं हम, तो देखो ध्यान से, ए बी का चाचा है तो सर बी का चाचा होने के लिए पहले बी का क्या होना चाहिए सर, पापा, और पापा किस में आएगा सर, ट्राइंगल में आएगा, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, ए बी का पहले क्या होना चाहिए, पापा, और पापा का क्या होना चाहिए सर, भाई होना चाहिए। ये बन गया आपका क्या, कि जो ए है ना वो चाचा है किसका, बी का, बात समझ आई? यस और नो? बिल्कुल सर, डन है। अरे वाह कति जहर सर, ठीक है यहां पर कि ए जो है चाचा हो गया बी का। अच्छा ए जो है बी का मामा है सर, कैसे बनाएंगे हम, तो देखो क्लास, ए बी का मामा है तो ए मामा कैसे बनेगा सर, पहले बी की मां होनी चाहिए, तो मां तो ऊपर आएगी, और ऊपर आएगी मां फीमेल तो सर्कल में आएगी, बात समझ आई? और मां का भाई क्या होगा हमारा, मामा, तो मामा क्या हो गया यहां पर, ट्राइंगल में बंद, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, मेल है, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो डन है, आगे चलते हैं सर। ए बी का मौसा है, तो देखो क्लास, ए बी का मौसा है, तो बी का मौसा होने के लिए पहले बी का क्या होना चाहिए, बी की मां होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मौसी का रिश्ता है, मौसा का रिश्ता मां की तरफ से होता है क्लास, तो देखो पहले एक बी की क्या होगी, कोई मां होगी, मां यानी के सर्कल, बात समझ आ गई? अच्छा मां की क्या होगी क्लास, बहन होगी, तो बहन इसी पीढ़ी में आएगी सर, ये होगी क्या मां की, बहन, और बहन का क्या होगा सर, पति होगा। बिल्कुल सर, बहन का क्या होगा, पति। अब सर बात यहां पर आती है, देखो अगर आपने एक चीज हमें यह नहीं बताई कि सर जो पांचवें नंबर का स्टेटमेंट है और जो छठे नंबर का स्टेटमेंट है सर, दोनों में देखो सेम फिगर बन रहा है, हाँ या ना, तो कैसे पता लगाएंगे कि दोनों में भाई बहन है या पति पत्नी है, तो एक छोटी सी बात करनी है आपको, क्या कि जहां पर आपको पति पत्नी मिल जाए वहां पर आप बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है क्लास। अच्छा अमित कह रहे हैं सर कति जहर, थैंक यू अमित, चलो बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां पर क्या लगा दिया हमने, प्लस, तो इसीलिए यहां पे भी क्या लगेगा क्लास सर, प्लस लगेगा, तो देखो बी की मम्मी, मम्मी की बहन, बहन का पति क्या होगा हमारा सर, मौसा होगा, हाँ या ना? अरे सर बिल्कुल मौसा होगा, चलो मौसा जी राम राम। चलिए ए बी की चाची है, वो बिल्कुल काफी बार हमारी चाची से बहुत पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मम्मी नहीं मान रही, चाची को बोल दो, चाची हमारा काम करवा देती है, पॉकेट मनी लेनी है, लो चाची जी कुछ पैसे दिलवा दो पापा से या मम्मी से, दिलवा देती है, हाँ या ना? रिश्ता बनाते हैं अब इनका हम, देखो ए बी की चाची है सर, बी की चाची के लिए पहले बी का क्या होगा सर, बी का क्या होगा, ध्यान से देखो सर, बी का पहले पापा होगा, बात समझ आ रही है? अच्छा पापा का क्या, सॉरी पापा है तो किसमें आएगा क्लास,
क्योंकि चाची का रिश्ता हमारे पेरेंट्स की तरफ होता है। बी का क्या होगा? पापा। पापा का क्या होगा क्लास? भाई होगा। और भाई की क्या होगी क्लास? बीवी होगी, वही तो हमारी चाची होगी, हाँ या ना। और पति पत्नी है दोनों, तो बीच में क्या लग गया क्लास? प्लस लग गया। बात समझ आ गई? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, साथ वाले में लड़का या लड़की भी तो हो सकती है। अगर सोचो, कॉमन सी बात है, आप अगर आप लड़की लेंगे तो बी की मां बन जाएगी और मां का भाई तो मामा बन जाएगा। बात समझ आई नितिन? तो इसलिए ऊपर लड़का लेना पड़ेगा क्योंकि बी का पहले पापा, पापा का भाई तो चाचा बनेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 11 की ओर। ए बी का दादा है, तो देखो दादा होने के लिए ए जो है ना, बी का दादा, पहले बी का क्या होगा आपका, सॉरी ये लीजिए सर, बी का क्या होगा? सर बी का होगा पहले क्या? पापा। बात समझ आई? और पापा का भी क्या होगा? पापा। तो सर ये हो गया आपका क्या, ए क्या बन गया? बी का दादा बन गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। नेक्स्ट, ए बी का नाना है, तो देखो पहले बी की क्या होगी? सर मम्मी होगी। बात समझ आ रही है? और मम्मी का क्या होगा? सर पापा होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? सर नाना बन जाएगा। क्लियर है? अरे सर बिल्कुल सर, फिर 2-9 आना चाहिए ना। नितिन समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप, 2 और 9 समझा नहीं नितिन, दोबारा से बोलो। चलो ए बी का क्या है? दामाद। अरे सर जी यही तो बनना है आपको जॉब लगने के बाद, बिल्कुल इसी का तो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल हाँ, तभी तो बोलते हैं आप क्या, चलो छोड़ो बाद में सुनाऊंगा। ए बी का क्या है? दामाद। सर बी का दामाद कैसे बनेगा? देखो पहले बी का क्या होना चाहिए, जल्दी बताएंगे आप। दामाद कैसे बनेगा? सर दामाद का मतलब हो गया कि, दामाद का मतलब क्या हो गया? बेटी का, बेटी का क्या? पति, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ए जो है दामाद है, तो दामाद जो है वो नीचे आएगा ऊपर आएगा? सर कॉमन सी बात है, नीचे आएगा, हाँ जी। तो बी ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है बिल्कुल। तो बी का दामाद कैसे होगा? पहले बी की बेटी होगी, बेटी नीचे आएगी, और बेटी का क्या होगा सर? पति होगा, वो क्या बन जाएगा सर? दामाद बन जाएगा। बात समझ आई? पति पत्नी है तो प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर है साहब? बन गए हम तो। ओके हरकिशन, चलो कोई बात नहीं, जो बन गया उनको मुबारक हो, ठीक है ओके। डफर मुंडा कह रहे हैं सर बेटी आएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डफर, बेटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी की पुत्र वधु है। अच्छा पुत्र वधु कैसी होगी क्लास? बेटे की वाइफ, हाँ या ना? तो बी की पुत्र वधु है, तो पहले बी आएगा, कोई बात नहीं मैं यहां बना देता हूं, पहले क्या आएगा क्लास? बी आएगा। बात समझ आ रही है? हां जी सर। अच्छा बी का क्या होगा सर? बेटा होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और बेटे का क्या होगा? बेटे की बीवी होगी, ए, तभी तो पति पत्नी हुए, ठीक है चलो क्लियर है क्लास। तो देखो ए क्या होगी? बी की पुत्र वधु। कैसे? बी का बेटा, बेटे की बीवी क्या बन गई? पुत्र वधु। जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या किसी को डाउट है यहां तक? कांग्रेचुलेशंस। चलिए जल्दी से क्लास कमेंट करेंगे, क्या किसी को डाउट है रिलेशंस बनाने में? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस प्रकार से रिलेशंस बनाएंगे आप तो सारे के सारे रिलेशन बहुत अच्छे से बनेंगे आपके, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके तो जल्दी से आप इस सभी का क्या ले सकते हैं क्लास? स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है चलो मार्कर चेंज करो, ठीक है मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके डन है क्लास? ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब चलते क्लास, टाइप फर्स्ट कौन सा था हमारा? सर पजल, हाँ या ना? बिल्कुल सर, टाइप फर्स्ट था हमारा कौन सा? पजल। और पजल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो सर एक काम करो, एक क्वेश्चन आप करा दो, उसके बाद फिर हम करेंगे, तो देखेंगे आप ध्यान से, अपना टाइम आएगा बिल्कुल महेश, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। सरोज, अमित, गुड। सर देखो अब ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चन कह रहा है सर एक परिवार में ए बी का पति है, तो देखो सर पति बनाना है, ए क्या है? पति है ना सर, पति है तो किस में आएगा? सर ट्राइंगल में आएगा। बात समझ आए? किसका पति है? बी का। तो कॉमन सी बात सर, बी क्या होगी आपकी? आपकी तो नहीं सर, किसकी होगी? ये ए की पत्नी होगी, हाँ या ना? बिल्कुल। चले आगे, बिल्कुल सर आगे देखते हैं, सी ए का बेटा है। चलो क्लास, सी ए का बेटा है,
तो देखो सी जो है ना ए का बेटा है, तो ए का बेटा नीचे आएगा ऊपर, सर कॉमन सी बात है नीचे आएगा, तो सी जब ए का बेटा है तो ए के नीचे सी आ गया और बेटा है तो किसमें बंद कर दिया सर हमने, ट्राइंगल के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलते हैं, सर बी डी की बेटी है, चलो क्लास जो डी है ना वो बी की बेटी है, डी बी की बेटी है तो बी की बेटी नीचे आएगी इसके, हाँ या ना, और कौन है डी है और बेटी है तो क्लास सर्कल में बंद। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। आगे चलते हैं, सर एफ जी की बेटी है, सर यहाँ पे क्या एफ और जी है, क्या यहाँ पे एफ और जी है, लेकिन क्लास आपको ये चीजें छोड़नी नहीं है, इसको अलग बना लेंगे आप। क्या बोला इसने, एफ जो है ना जी की बेटी है, तो सर एफ जो है आपकी वो बेटी है किसकी, जी की, तो जी क्या होंगे, तो पापा या मम्मी, तो ऊपर आएगा। बात समझ आ रही है? इसके बारे में नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता कि एफ तो बेटी है। सर बिल्कुल है, चलो समझ आ गया। आगे चले, सर सी एफ का पिता है, सी जो है ना वो किसका पिता है क्लास, एफ का पिता है, तो एफ इसके नीचे आएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर एफ जो है ना वो इसके नीचे आएगा। सर समझ आ गया, बन गया, लेकिन सर अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी इन दोनों को जोड़ना भी तो है फिगर्स को, तो देखो जोड़ेंगे कैसे। सर एफ तो पता है हमें यहां से, क्या एक फीमेल है, सर ये लीजिए एफ क्या हो गई आपकी फीमेल। बात समझ आ गई? बिल्कुल। और देखो फीमेल यानी कि लड़की है, किसकी बेटी है ये, सी की। अच्छा जो एफ है ना वो सी की बेटी भी है और सर यहाँ पे जी की बेटी भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, दो पापा तो नहीं है यहाँ पे, दो मम्मी तो नहीं है, सर इसका मतलब क्या हुआ कि सी और जी जो होंगे ना आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तो दोनों की बेटी एक ही होगी। हाँ जी। और सर अगर सी आपका पापा है, देखो पेरेंट्स है ना, क्या है आपका मेल है, तो सर जी क्या होगी आपकी पक्का फीमेल होगी, वो इसकी क्या होगी बीवी होगी, तो सर यहां पे लगा दिया क्या प्लस का साइन, और इसी के साथ में हमारा राइट आंसर आ गया फिगर का। अब क्वेश्चंस के आंसर दे क्लास। बिल्कुल सर, चलो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन कहता है सर ए का एफ से क्या संबंध है, ध्यान से सुनेंगे, सर ए के बारे में पूछा है, बच्चे क्वेश्चन को बना भी सही देते हैं लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने में क्या कर देते हैं क्लास, गलती कर देते हैं। तो देखिए यहां पर सर ए का एफ से क्या संबंध है, ध्यान से देखेंगे आप कि सर ए का एफ से पूछा है, सर ए क्या लगेगा किसका एफ का, तो देखिए क्लास ए क्या लगेगा एफ का, देखो एफ के पापा का पापा, समझ आई, अरे वाह बिल्कुल सर समझ आ गया, तो यहां पर क्या हो गया सर दादाजी हो गए हमारे। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर ए क्या है दादा, ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए के बारे में पूछा गया है, डन। सर नेक्स्ट चलते हैं, सी का बी से क्या संबंध है, सर सी का बी से क्या संबंध है, देखो सी का बी से, तो सी क्या है सी के पापा का, सी के पापा के पत्नी यानी कि मम्मी हो गई, हाँ या ना, बिल्कुल सर माँ हो गई। बात समझ आई? बिल्कुल। तो यानी कि ये हो गई आपकी माँ। अच्छा तो सी का पूछा कि सी का क्या संबंध है, तो सी क्या होगा बी का सर बेटा, क्यों, क्योंकि बी के पति कौन है ए और ए का क्या है बेटा सी, तो यानी कि इनका बेटा हो गया। बिल्कुल, तो सी क्या हो गया सर, सर बेटा हो गया। बात समझ आई? बिल्कुल सर बेटा हो गया, डन। बिल्कुल चलो आगे चले, सर जी का बी से क्या संबंध है, जी के बारे में पूछा है, सर जी का बी से, तो देखो बी के बेटे की बीवी यानी के सर पुत्रवधु, सर जी पुत्रवधु होगा राइट आंसर। बात समझ आ रही है? बिल्कुल पुत्रवधु इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ताकि आप उसका आंसर दे सके। ठीक है, एसके बाबला कह रहे सर मां, एसके बाबला मां कैसे होगा, सी का बी से पूछा है, बी का सी से नहीं पूछा। बात समझ आ गई? सी का बी से पूछा है, ये क्वेश्चन को बस पढ़ने में हम गलती कर जाते हैं और बने बनाए क्वेश्चन का हम क्या कर देते हैं सत्यानाश कर देते हैं, हाँ या ना, और फिर बोलते हैं क्या एग्जामिनर को कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, आया ना, बिल्कुल रोते रहते हैं और आप फिर फेल कर दिए जाते हैं, तो वो काम मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके चलिए, यस सर, अरे तीनों गलत हैं। ओके डफर, अब गलत नहीं होंगे, ठीक है, चलो जो गलतियां कर ली आपने आज तक कर ली हैं, लेकिन आप कोई गलती नहीं करेंगे आज से ब्लड रिलेशन के अंदर आप। ओके चलो गुड, अरे वाह क्या बात है, फैबुलस क्लास। ओके
मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना? अरे आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करो, एक स्नैप हो जाए हमारी क्लास की। खोलवाल म्यूजिक कह रहे हैं सर सॉन्ग कहाँ चल रहे हैं। अच्छा भाई कोई बताओ खोलवाल को सॉन्ग कहाँ चल रहे हैं। चलो थोड़ा हम आपका क्या कर देते क्लास, आप बोर ना हो, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजाक कर दिया सर, थैंक यू अमित। तो एक काम करते इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं और जिसका बन गया वेल एंड गुड है, इसका नहीं बना वो यहां देखेंगे, ठीक है? महेश कह रहा है सर जी आप तो आप ही हो, थैंक यू महेश। चलिए सर बी सी का बेटा है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, देखो बी जो है ना सी का बेटा, कैसे बनाएंगे सर? बी बेटा है तो बी नीचे आएगा, किसका बेटा है सर? सी का। अच्छा बेटा है बी, तो बी को उसमें बंद कर दिया हमने सर, ट्राइंगल में बंद कर दिया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, परंतु सी बी की मां नहीं है। अच्छा देखो अगर सी जो है आपका वो बी का, सॉरी बी जो है आपका सी का बेटा है, ठीक है बेटा है ना, तो सी या तो पापा होगा या मम्मी होगी। अच्छा सर सी है ना बी की मां नहीं है, अगर सर सी मां नहीं है तो पक्का ये क्या होगा सर? पापा ही तो होगा, बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बात समझ आ रही है। तो दोनों डन हो गए सर, ये वाला हो गया ये हो गया। आगे चले सर, ए सी की, ए और सी पति पत्नी है, तो सर सीधी सी बात है सी अगर पति है तो ए क्या होगी सर? पत्नी होगी, बात समझ आ रही है? और दोनों सेम जनरेशन में होंगे, पति पत्नी है, तो किसका साइन लगा दे क्लास हमने? प्लस का। ओके चलो, एफ सी का भाई है, क्या सर यहां पे एफ है? नहीं सी है सर, बिल्कुल सी है। और देखो एफ जो है ना आपका वो सी का भाई है, तो भाई है तो सेम जनरेशन में आएगा, बिल्कुल सर भाई है, तो बगल में बना दिया और किस में बंद कर दिया सर? ट्राइंगल में। ये लीजिए डन है, बिल्कुल। आगे चले, डी ई का भाई है सर, डी कहां है? नहीं है सर। ई कहां है? नहीं है सर। अलग से बना लो इसे, क्या दिक्कत है? ये डी जो है ना ई का भाई है सर, डी अगर भाई है ई का तो सेम जनरेशन में आएगा, तो यहीं पे बनेगा ई, बात समझ आ रही है? डी क्या हो गया? ई का भाई हो गया। आगे चले सर, ई ए की बेटी है, अब सर यहां जुड़ेगा रिश्ता। देखो ई जो है ना वो क्या है? बेटी है, बेटी है, तो सर ई पक्का क्या है? बेटी है। और किसकी बेटी है सर? ए की है, तो ए की बेटी है ई, तो ई इसके नीचे आएगा ए के, और ये क्या हो गई? बेटी हो गई। और सर अगर ये बेटी हो गई और डी क्या हो गया सर? इसका भाई, अभी तो पढ़ा था, तो सर डी क्या है इसका? सर जी भाई है, बात समझ आ गई? लो जी सर बन गया हमारा रिश्ता, अब सर हमें आंसर देने हैं। ओके सर अब हमें क्या देने हैं? आंसर देने हैं। तो चलो क्वेश्चन में बोला गया है कि सर पहला, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, था ना अच्छा क्वेश्चन? चलो बिल्कुल 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 भूप सिंह सर, साफ साफ हमें नजर आ रहा है, देखो एक ट्रायंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये, सर बिल्कुल द फोर्थ इज द राइट आंसर सर, चार होगा, चार पुरुष हैं, ठीक है कुल पुरुष पूछे गए हैं आपसे। ओके अगर पूछते परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो सर एक दो तीन चार पांच छह, तो राइट आंसर क्या होता सर? छह। अच्छा नेक्स्ट है सर, ए के कुल बच्चे, तो सर ए के कुल बच्चे कितने होंगे? देखो ए के बच्चे ये दोनों भी हैं और ये भी तो हैं, बिल्कुल सर, तो कुल बच्चे कितने हो गए सर? तीन हो गए, थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सर, बी की मां कौन है? सर बी की मां कौन है? देखो बी के पापा सी और सी की बीवी है ए, तो यानी कि ए क्या हो गई? मां हो गई, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह नितिन, महावीर, लोकेश, कमल, मान सिंह, क्या बात है निर्मा, जगत, सुमन यादव, ग्रेट। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चले क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? चलो जिसको समझ आ गया है वो बनाएगा और जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देखेगा, ठीक है? और क्वेश्चन करेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा क्लास। कोई भी टॉपिक आप एक बार क्लास लेते समझ आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत इजी लेवल पढ़ा है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। और आजकल इजी लेवल से भला नहीं होने वाला किसी का, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा लेवल का पढ़ो ताकि कॉम्पिटिशन में आप आगे निकल सको, मेरिट में आ सको। सिर्फ पास होने से क्या होगा? अगर पोस्टिंग मिल गई आपको कहां पर, जैसलमेर, तो क्या करोगे? चलो ठीक है,
अलवर के और जैसलमेर के तो गए काम से। चले आगे सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी का क्या है सर? भाई है। सर देखो ए जो है ना वो भाई है बी का, दोनों सेम जनरेशन में आएंगे और भाई है तो ट्राइंगल में। सी ए का पिता है, क्या सी है यहाँ पे? क्या ए है? सर ए तो है, तो सी क्या है? ए का पिता, तो सी ऊपर आएगा और पिता है तो किस में बंद कर देंगे क्लास? ट्राइंगल में। बात समझ आई? बिल्कुल। नेक्स्ट डी ई का भाई है, ना तो डी है ना ही ई है, तो सर एक काम करो डी जो है ना वो भाई है किसका? ई का। ये लो सर अलग से बना दो, क्लियर है। आगे चलते हैं सर, ई बी की बेटी है, तो सर ई क्या है आपकी? बेटी है। बात समझ आ रही है? ई क्या है? बेटी है। ठीक है, अरे वाह क्या बात है। चलो ई क्या होगी क्लास? बेटी हो गई। अब जोड़ें इसको, क्या अब जोड़ें इसे क्लास? डी ई का भाई है, अब ई क्या है? बेटी है किसकी? बी की। अगर बी की बेटी है तो बी के नीचे आएगी क्या? ई, और बेटी है तो सर्कल में बंद। बात समझ आ रही है? डी क्या है इसका? भाई, तो भाई है तो ये बना दिया मैंने बगल में, क्या इसका? भाई बना दिया। बात समझ आ गई सर? बिल्कुल। चलो बन गया, क्लियर है। तो सर समझ आ गया कि ए बी का भाई है, सर ए जो है बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी देखो ऊपर गए ए का पिता हो गया। अच्छा डी ई का भाई है, तो सर डी क्या है आपका? ई का भाई है। ओके, और ई जो है बी की बेटी है, सर ई क्या? बी की बेटी हो गई। अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास, यहां बच्चे अटकते हैं पक्का, यहां पर बच्चे अटकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो आंसर आने लग गया सर, सरोज कह रही है सर बेटा होगा फर्स्ट का। चलो सरोज देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। सरोज बोला गया है कि बी का क्या संबंध है डी से, डी नहीं पूछा, बी का पूछा है कि बी का क्या संबंध है, बी क्या लगेगा। ये देखो क्लास, मुझे पता था यार तुम यही गलती करोगे, बस इसीलिए कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं। चलो सर बी का डी से पूछा है, तो देखो बी का डी से पूछा सर, बी की बेटी है ई, लेकिन क्या आपको बी के बारे में पता है कि बी पापा होगा या मम्मी? अरे सर नहीं पता, इसीलिए जो राइट आंसर होगा या तो होगी माँ और या होगी पिता, मुझे पता था। ठीक है, ये होगा राइट आंसर बी का। पूछ नितिन कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो? ठीक है, ई का पूछा है, सॉरी बी का डी से, कि बी जो है ना डी का क्या लगेगा। सर देखो बी की बेटी है ई और ई का भाई है डी, दोनों भाई बहन है और दोनों किसकी संतान है? बी की। लेकिन सर बी के ऊपर ना तो ट्राइंगल है ना सर्कल है, हमें क्या पता कि मेल है फीमेल है। सर या तो होगा माँ या होगी पिता। बात समझ आई? बिल्कुल। नेक्स्ट देखो डी के अंकल कौन है? सर कॉमन सी बात है, अंकल मतलब क्या हो गया? ठीक है, अगर पापा की तरफ से है तो चाचा हो जाएंगे, और यानी कि पैटर्नल अंकल, और मां की तरफ से है तो मैटर्नल अंकल यानी कि मामा हो जाएंगे। तो सर डी का, डी के अंकल कौन है? सर डी का अंकल कौन होगा? देखो डी की मां या पापा कौन है? बी, या तो मां होगी या पापा होंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा अगर मां होगी तो ए क्या बन जाएगा यहाँ पे सर? मामा। अगर पापा होंगे बी तो ए क्या बन जाएगा? चाचा। बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में अंकल है कौन सर? ए। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल डन, क्लियर है। बिल्कुल हर किशन ने बिल्कुल राइट आंसर दिया सर, मां और पापा होंगे। बिल्कुल महावीर, जेंडर पता नहीं था तभी तो मैंने कहा कि आपको दोनों आंसर हो सकते हैं आपके। ठीक है, चाचा है डी, बी का बेटा है। सोनू बोला चाचा नहीं बोल सकते ना, बी का नहीं पता, अगर बी पापा होते तो पक्का चाचा होता, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है कि मेल होगा या फीमेल होगा। डन, चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सर दो नहीं आया, सरोज दो क्यों नहीं आया भाई? सीधी सी बात है, अंकल मतलब क्या होता है? या तो चाचा या मामा। ठीक है, और डी के पेरेंट्स में से कौन है? बी है, तो बी का अगर बी लड़का हुआ यानी कि आदमी हुआ तो पापा बन जाएगा, तो फिर चाचा बन गया ए, और बी अगर सॉरी बी मम्मी हुई तो मामा बन जाएगा ए। ठीक है, तो किसी भी सूरत में ए तो अंकल होगा ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो मैं फैमिली ट्री बनाता हूं जल्दी से। सर कुल सदस्य कितने हैं? सर 6 सदस्य है, हाँ या ना? बिल्कुल। सर ए बी सी डी ई एफ जी, महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है,
सर यहां से कंफर्म हो गया कि तीन तो क्या होंगे आपके मेल और तीन क्या होंगे आपकी फीमेल। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो आगे सर, ए और ई एफ के पुत्र हैं। सर देखो एफ बनाया मैंने, ये ए और ई दोनों पुत्र है, पुत्र नीचे आएंगे। बिल्कुल सर। सर ए भी पुत्र है और सर ई भी पुत्र है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, ए भी पुत्र है और ई भी पुत्र है। चलो चले आगे। डी दो बच्चों की मां, डी दो बच्चों की मां यानी कि एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। डी जो है वो दो बच्चों की मां है, ठीक है। अच्छा डी का पता लग गया सर, डी क्या होगी? फीमेल होगी क्योंकि मां है और इसके नीचे दो बच्चे आएंगे। अब सर बच्चों का नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो हमने क्या करा, स्क्वायर बना दिया। अभी नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की होगी, अगर लड़की हुई तो सर्कल, लड़का हुआ तो ट्राइंगल। बात समझ आ गई? दो बच्चों की मां है, क्लियर है सर? बिल्कुल। बी ए का बेटा है। सर देखो बी जो है ना ए का बेटा है, बी जो ए का बेटा है तो ए के नीचे आएगा बी। सर ये लो, और बेटा है तो किस में बन गया सर, ट्राइंगल में। जितना इजी क्वेश्चन दिख रहा उतना है नहीं ये, ठीक है। आगे देखो, तब सी का ए से क्या संबंध है, तब सी का ए से क्या संबंध है? अब बताएंगे सर सी का ए से क्या संबंध है, जल्दी से देंगे आप आंसर कि सी का ए से क्या संबंध है। चलिए सी का ए से क्या संबंध है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। ठीक है, तो देखो सर क्वेश्चन को जोड़ते हैं, काम करते हैं। सर सीधी सी बात है कि सर यहां पर बोला गया तीन मेल तीन फीमेल, सर तीनों मेल तो हो चुके हैं, तो सर इतना तो कंफर्म है कि अब जो भी बचेंगे सब की सब क्या होंगी आपकी फीमेल। तो एफ क्या हो गया सर, फीमेल हो गई। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, एफ क्या हो गई आपकी, फीमेल हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, देखो ध्यान से कि सर एफ का बेटा कौन हो गया, ए है ना, ए तो है सर। एफ क्या हो गया, देखो एफ क्या, सॉरी हाँ, ए और ई एफ के पुत्र हैं, ठीक है। तो ए और ई पुत्र हो गए एफ के। बात समझ आ गई? अच्छा उसके बाद में बात करी क्या कि यहाँ पे बोला गया कि बी जो है ना ए का बेटा, सर बी जो है ए का बेटा है। अच्छा अब इसे जोड़ना है हमें, ठीक है, ये कहाँ लगाए हम। देखो अगर देखा जाए सर, एक दो तीन चार तो यहाँ पर है, एक दो तीन सात हो गए टोटल, लेकिन सर टोटल बंदे कितने हैं हमारे, छह हैं। तो कंफर्म है सर इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई ना कोई बंदा इनमें से होगा, हाँ या ना, तभी तो छह बनेगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो सर एक काम करते हैं, देखो ये क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। डी क्या है यहाँ पे, फीमेल है, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखो डी फीमेल है यहाँ पर, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा अगर मैं इस डी को इसकी क्या बनाता हूं, बहन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, बहन, तो दोनों नीचे आएंगे। बात समझ आ रही है? तो सर क्या होगा, ये तो सात बंदे बन गए सर, बहन नहीं बनेगी, ठीक है, और ना ही इसकी पत्नी बन सकती है, सॉरी ये लड़का है ना, अगर पत्नी बना दूं तब भी दोनों नीचे आएंगे, तब भी सात, तो सर यहां तो आने से रहा ये। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। क्या ऊपर आएगा, देखो अगर एफ औरत है, ठीक है, और डी भी औरत है, अगर मैं इसकी बहन बना दूं तो इसके बच्चे अलग, इसके बच्चे अलग, तब भी सर सात बंदे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमको जोड़ना है। सर अगर मैं इसको डी को, अगर मैं डी को सोच के देखो यहां पर, इस डी को अगर मैं यहां पर क्या करूं सर, यहां पर मैं अगर डी को इसकी पत्नी बना दूं, देखो अगर डी को मैं यहां पर इसकी क्या बना दूं, पत्नी बना दूं, तो डी के बच्चे दो है ना सर, उन दो बच्चों में से एक बी हो जाए और एक क्या हो जाएगा सर, दूसरा बच्चा हो जाएगा, हाँ या ना। बिल्कुल सर, एक हमारा यहाँ पर दूसरा बच्चा हो जाएगा। क्या टोटल छह बंदे नहीं हो गए, अरे सर हाँ, एक दो तीन चार पांच छह, और सर तीन मेल है तो तीन फीमेल होगी, सर दूसरा बच्चा क्या होगा आपका, सर ये भी क्या होगी आपकी, फीमेल ही होगी। बात समझ आ रही है? हाँ, और क्या आएगा सर यहाँ पे, सर यहाँ पर आएगा, बच क्या आ गया, ए बी सी बच गया, सी आ गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, डी को ए की पत्नी बनाना पड़ेगा, तभी आपका फैमिली ट्री क्या होगा, कंप्लीट होगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुमन, राइट आंसर दिया आपने। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम, क्या
कि सर सी का ए से, तो सर सी ए की क्या लगेगी, देखो सी और बी दोनों भाई बहन है, उनके पापा कौन है ए, तो ए की क्या लगे सी, और लड़की है ना तो बेटी, बिल्कुल सर द राइट आंसर विल बी बेटी, ठीक है बेटी, द राइट आंसर विल बी बेटी डॉटर, ओके चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर, क्लियर है क्लास, डॉटर इज द राइट आंसर, बेटी होगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नितिन महेश सरोज डफर बिल्कुल सही आंसर दिया सर, बेटी ही होगी। चलो क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लेकिन 5 क्वेश्चन देने से पहले सही बात है सर बिल्कुल बेटी होगी, ठीक है निर्मा दिनेश, चलो कुछ बातें मैं बता दूं जो आगे आपको काम आने वाली हैं, ठीक है देखो कौन सी बातें हैं सर, वो ये वाली बातें हैं, कुछ स्टेटमेंट यहां पे दी गई हैं, ठीक है तो देखो यहां बोला गया क्लास कि ए बी का भाई है, आज समझ आ रही है, बिल्कुल सर ए जो है ना वो भाई हो गया किसका सर, सर बी का भाई हो गया जो कि सी का पिता है, तो सर ये जो किसके लिए आया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये जो जो है ना वो किसके लिए आया होगा, तो सर ये बात आप कान खोल के अपने दिमाग में डाल लेंगे, जहां पर जो लिखा मिल गया ठीक है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो यानी कि ए बी का भाई है सर, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी कि बी कौन हो गया सी का पिता, बात समझ आ गई, जो उसे जस्ट पहले जो होगा या फिर बोलते सेकंड वाला जो होगा वो होगा इसका रिलेशन इसके साथ में, तो जो क्या है सी का पिता है, यानी कि बी क्या हो गया क्लास सर, बी जो है ना वो पिता हो गया किसका सर सी का, तो सी कहां आएगा नीचे, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बिल्कुल सर, अच्छे से हमें ये बात समझ आ गई है, क्लियर है क्लास ओके। आगे देखो फिर से वही बात करते हैं सर, ए बी का भाई है सर, ए जो है ना वो भाई है किसका सर बी का, बात समझ आ रही है बिल्कुल, और सी का पिता ऐसा भी और किसके लिए होगा, तो क्लास जब भी और लगाया जाए हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, तो यानी कि सी का पिता है, और सी का पिता कौन, ए जो है ना वो किसका पिता हो गया आपका क्लास सी का पिता, तो सी इसके नीचे आएगा ना कि बी के नीचे आएगा, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बिल्कुल सर, बात समझ आ रही है, बी के बारे में कह सकते हैं मेल है फीमेल सर, नहीं कह सकते, चलो चले आगे बिल्कुल सर, आगे देखो ए बी का भाई है, सेम वही ए जो है बी का भाई हो गया, और एक मिनट क्लास यहां पे शायद टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने एडिट नहीं करा चीजों को, कोई बात नहीं मैं यहां बता देता हूं आपको क्या होगा, देखो जस्ट वेट ओके, करेक्शन कर लेना आप सभी के सभी अपने नोट्स के अंदर, चलो मैं लिख रहा हूं यहां पे ठीक है आप देख लीजिएगा ठीक है, चलो यहां पर होगा जबकि ठीक है, क्या होगा जबकि, अच्छा यहां पे क्या होगा क्लास, यहां होगा परंतु, परंतु और यहां पे क्या होगा कुछ भी नहीं ब्लैंक है ठीक है, क्लियर है चलो क्लास, तो माफी चाहेंगे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, तो आगे देखते हैं ठीक है, अब जबकि लगाया गया है तो क्लास जो जबकि होगा ना ये भी क्या होगा आपके हमेशा पहले वाले के लिए होगा, परंतु होगा सर ये भी पहले वाले के लिए होगा, और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा रिलेशन इसका पहले वाले के साथ होगा, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये आपके 4 फिगर बन रहे हैं ये सर इससे रिलेटेड है, और जो पहला फिगर है वो इसका रिलेटेड है ठीक है, जहां पर जो लग गया ना सिर्फ वही आपका सेकंड पर्सन से रिलेट करेगा जुड़ेगा, बाकी सारी चा और हो जबकि हो परंतु या कुछ भी ना लिखा हो वो हमेशा पहले वाले पर्सन की बात करेगा, क्लियर है डन, चलो बिल्कुल चलते हैं क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इस चीज का ताकि आपको आगे याद रहे, चलते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम ओके, चलो ओके डन, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप अभी, फर्स्ट टाइप का देख लो एक बार और एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
बी पी का पति है, ठीक है सर? बिल्कुल सर, बी जो है पी का पति है। तो देखो बी क्या हो गया, पति हो गया, किसका हो गया क्लास, पी का, आया ना? तो पी क्या होगी, पत्नी होगी, क्लियर है? बिल्कुल। आगे चले सर, और पति पत्नी दोनों के बीच में क्या लग जाएगा सर, प्लस का साइन लग जाएगा। आगे चले, क्यू ई का इकलौता पुत्र है ना, तो क्यू है ना ई है, अलग से बनाते हैं। देखो क्यू जो है ना, क्यू जो है वो ई का इकलौता पुत्र है, तो देखो इकलौता पोता है, सॉरी, ठीक है, क्यू जो है ई का पोता है। तो सर ई का पोता होने के लिए देखो, पहले ई का तो कोई क्या होगा, नीचे बेटा होगा, और बेटे का क्या होगा, बेटा होगा, तभी तो जो होगा क्यू आपका पोता बनेगा, किसका, ई का। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर समझ आ गई अच्छे से। चले आगे, पोता है जो डी का, सर जो शब्द आ गया ये किससे रिलेट करेगा सर, सेकंड वाले से, किस रिलेट करेगा ये सर, सेकंड वाले से। तो जो डी की पत्नी है, यानी कि ई क्या है क्लास, ई जो है ना पत्नी है, किसकी पत्नी है सर, सर डी की पत्नी है। तो डी किस में बंद कर दिया हमने, ट्राइंगल के अंदर, और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर प्लस लगा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर, ई जो है ना पी की क्या है, सास है। चलो सास बहू का तो बनता ही नहीं है, कोई बात नहीं। देखो यहां देखते हैं कि सर ई जो है पी की क्या है, सास है। बात समझ आ रही है? ई जो है वो पी की सास है, ठीक है। तो ये पी की सास, पी यहां पर है ना, अच्छा पी की सास कैसे बनेगी, इसके पति की माँ। हाँ बिल्कुल सर, इसके पति की जो माँ होगी वही तो पी की सास बनेगी। और डी क्या है यहां पर सर, ई का पति हो गया, यानी कि ससुर बन जाएंगे पी के। ये लीजिए जुड़ती जा रही है देखो, है ना। अच्छा यहाँ पे बेटा है कौन आपका, नीचे, क्या जरूरी है सर ये बेटा यही वाला हो, क्या जरूरी है कि सर ये बेटा यही वाला हो, क्या पता दूसरा बेटा हो। तो सर अभी नहीं जोड़ेंगे, बच्चे बस यही गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन में कि इस ट्राइंगल को यहीं पे जोड़ देते हैं, इसके नीचे क्यू लगा देते हैं, पर ये गलती आपको नहीं करनी है अभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तब देखेंगे, नहीं होगा तो मानेंगे। तब बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है क्लास, काफी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे क्या होगा सर, सर यहां पे दो फिगर बनेंगी आपकी, कौन कौन सी, देखो एग्जाम में नहीं बनाना है, पर समझा रहा हूं आपको मैं, तो इसीलिए आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बनाकर दिखा रहा हूं, एक मिनट। ये क्या है क्लास, तो पापा है ना, चलो ओके डन, ठीक है ओके सर। नीचे यहां पे क्या था, बी, और ये हो गया पी, दोनों क्या हो गया आपके, ये भी पति पत्नी और ये भी पति पत्नी, ठीक है। चलो सर अब देखो यहां पर कि सर ई का जो बेटा है ना, बेटा है, अगर आप इस बेटे को यही बेटा मान लेते हैं, बी ही मान लेते हैं, तो सर इसका मतलब क्या होगा सर, क्यू इसका बेटा हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, देखो क्यू जो है ना वो इसका बेटा हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर क्लास? बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया हमें, ठीक है। लेकिन सर बात यहां आती है कि अगर मान के चलो कि ये बेटा बी नहीं है, कोई और हो, तो देखो कोई और बेटा बना दिया मैंने यहां, और उसका उसका बेटा क्या है आपका सर, क्यू है, हो सकता है ना? बिल्कुल सर, जरूरी थोड़ी ना एक ही बेटा हो सर, बेटे तो और भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर बात समझ आ रही है अच्छे से, ओके क्लियर है। चलो बिल्कुल देखते हैं क्लास क्या आंसर होता है, ठीक है। तो सर ये भी हो सकता है पॉसिबल, सर ये फिगर भी बनेगी और ये वाली फिगर भी बन सकती है, लेकिन देखो बी का डी से पूछा है, बी का डी से, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे आगे जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर सीधा सा आंसर है कि बी क्या डी का बेटा है, बिल्कुल। लेकिन सर आपने इतना क्यों बताया, सर मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन घुमा के और आगे पूछ लिया जाए तो कैसे दोगे। तो देखो सर कंफर्म है, बी जो है डी का बेटा है सर, बी तो डी का बेटा है। अगर आपसे पूछ लिया जाता, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बी की कितनी डी की कितनी संतानें होंगी, तो सर एक हो सकती है इसके हिसाब से और दो हो सकते हैं इसके हिसाब से, तो आंसर क्या होगा, एक या दो। बात समझ आई? बिल्कुल ठीक है, फिगर सही बनाइए, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे आप, ठीक है। संडे है ना आज, चलो क्लियर क्लास, राइट आंसर क्या हुआ आपका, बेटा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है फिर से सर। बी सी का चाचा है, देखो बी सी का चाचा, सी का चाचा बनने के लिए पहले सी का क्या होगा,
पापा होगा और पापा का कोई क्या होगा सर, भाई होगा, हाँ या ना? बिल्कुल, जो जो यानी कि सर किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि जो एक, जो कि एक ही पुत्री है। तो सी क्या है क्लास, सी जो है ना वो एक ही पुत्री है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, सी जो है ना एक ही पुत्री है। लेकिन सर देखो, लेकिन देखो क्या आप बता सकते हैं कि ए यही होगा या दूसरा होगा? तो सर सी जो है ना एक ही पुत्री, इतना पता है बस हमें, तो बात समझ आ रही है? अभी ये नहीं पता ए पापा है मम्मी है। चलो ए डी की पुत्र वधु है, सर ए जो है ना डी की पुत्र वधु है, यानी कि पक्का फीमेल है, बात समझ आ गई? हाँ जी सर, ये पक्का क्या है, फीमेल है। और देखो जब ये फीमेल है तो यहां पर देखो सी जो इसका बेटा है, तो क्या ये ए होगा? सर नहीं, ये तो पापा है और मम्मी होगी, तो मम्मी तो बगल में आएगी, ये दोनों क्या हो गए आपके सर, पति पत्नी हो गए, बात समझ आ गई? बिल्कुल, आगे चले तो ए डी की क्या है, पुत्र वधु, ए डी की पुत्र वधु है। और देखो ए को डी की पुत्र वधु होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले डी का क्या होगा, डी का कोई बेटा होगा और उसकी बीवी होगी कौन, ए, तभी तो बनेगी पुत्र वधु, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही बोला आपने कि पहले क्या होगा, डी का कोई बेटा होगा, बेटे की वाइफ होगी, तभी तो ए जो डी की पुत्र वधु बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। चलो अब चले आगे, अभी जुड़ नहीं रहा, पुत्र वधु है और ई की पत्नी है, सर और आ गया शब्द, और किसके लिए आएगा सर, पहले वाले के लिए आएगा, अभी तो बताया था आपने, तो यानी के और ए डी की पुत्र वधु है और ई की पत्नी है, यानी कि ए क्या है क्लास, ए जो ई की पत्नी है, तो कंफर्म है सर ई क्या होगा यहां पर, पति होगा, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, ई क्या होगा यहां पर, पति होगा, डन है सर। चलो समझ आ गया, क्लियर है, आगे चले। तब बी का डी से क्या संबंध है, अभी फिगर पूरी जुड़ी नहीं है क्लास, तो पहले फिगर को जोड़ते हैं, ठीक है? चलो तो देखो क्लास, ओके डन, ये फिगर बन चुका हमारा, बिल्कुल सर ये फिगर तो हमारा बन चुका है, छोड़ो इसे तो, ठीक है ओके। अभी इस वाली फिगर को जोड़ना है हमें यहां पर, तो देखो ए हो गया, इसका पति ये हो गया, पक्का ई होगा, और ई की पापा कौन है ऊपर, पापा या मम्मी कुछ भी हो सकते हैं सर, अभी कुछ हम कह नहीं सकते, तो डी तो यहां आएगा ऊपर, बात समझ आ गई? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तब बी का डी से क्या संबंध है सर, बी का पूछा है, बी का संबंध क्या है डी से, और सर देखो ध्यान से देखेंगे अब आप कि बी का संबंध पूछा है, डी का बेटा कौन है ई, और ई का भाई कौन है बी, तो दोनों दोनों बेटे किसके हो गए क्लास, डी के हो गए, तो बी क्या हो गया सर, बी तो बेटा बन गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बेटा यानी के सन, ओके चलिए दिस विल बी योर राइट आंसर, क्लियर है क्लास, बस समझ आई? बिल्कुल, पापा या मम्मी, अगर आपसे पूछा जाता ना क्लास कि डी का बी से क्या संबंध है, अगर आपसे उल्टा बोल दिया जाता, मान के चलो आपसे बोलते कि डी का बी से क्या संबंध है, से क्या, इसलिए बोलता पूरा फिगर बनाया करो अच्छे से, संबंध है। अब देखो क्या डी कंफर्म है सर, नहीं, डी का ना जेंडर कंफर्म नहीं है, ना पापा पता है ना मम्मी पता है, तो सर इसलिए राइट आंसर क्या होगा सर, ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, बात समझ आई? बिल्कुल सर, डन है, क्लियर है क्लास, अच्छा लगा, समझ आया, चले आगे की ओर। चलो ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर फर्स्ट, जो आपने अच्छे से समझ लिया पहेली, ठीक है। अगला टाइप जो चलेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, कि परिवार के प्रत्येक बच्चे की कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक है, परिवार के प्रत्येक बच्चे की कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे होंगे, तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे होंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। सर पढ़ने में ही गलती होती है, बिल्कुल सरोज, मैं कहता हूं कि आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल फिगर सही बना लेते हैं, ट्री जो होता है फैमिली ट्री अच्छा बना लेते हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, बी का डी से पूछा है जो आगे आ गया, क्या बार ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि जो आगे शब्द है वही पूछ बताना है आपको, सर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं वो, और लैंग्वेज पढ़ना वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो हम सिर्फ तरीका समझा सकते हैं, वहां पे लैंग्वेज कैसे घुमा के पूछ ले आपसे कुछ नहीं कह सकते उसका, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देंगे इसका आंसर आप, तब तक पानी वानी पी लेते हैं यार, हम भी गला गीला कर लेते हैं।
चलो बिल्कुल ज्योति नितिन लोकेश कह रहे हैं सर 8 होगा। चलिए तो सुन रहा है ना तू, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सर काफी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ऐसे मुश्किलात में हम आसानी से देखो कैसे हम आगे निकलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए। सर परिवार के प्रत्येक बच्चे कम से कम सॉरी बच्चे की कम से कम 4 भाई ठीक है और 3 बहनें हैं, तो परिवार में कम से कम बच्चे बताने हैं आपको ठीक है कम से कम। चलो तो एक काम करते हैं सर, देखो चलो ठीक है सर एक बच्चा बना दिया मैंने ठीक है ओके। सर परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए कम से कम ठीक है। अच्छा सर मान के चलो ये बंदा है ठीक है, ये क्या है एक मेल है, क्या मान लिया इसको मैंने एक मेल मान लिया, लड़का मान लिया ठीक है बॉय मान लिया, कम से कम 4 भाई होने चाहिए। तो भाई मतलब ट्राइंगल, सर 1 भाई, सर 2 भाई, सर 3 भाई और सर 4 भाई, आया ना कम से कम 4 हो गए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर क्वेश्चन में कम से कम बोला है, तो हर एक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए बात समझ आई। और सर 3 बहनें होनी चाहिए, लो सर 3 बहनें बना दी 1, 2 और 3 और बच्चों ने क्या करा इसी को देखकर सीधा आंसर दे दिया, आया ना कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, लेकिन सभी का क्या है गलत आंसर है। क्यों देखिए क्लास ध्यान से देखेंगे अब आप कि क्या करते हैं हम कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें। अच्छा ये हो गया आपका मेल ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्लास मेल हो गया, इसके 4 भाई। सर देखो 1, 2, 3, 4 है ना 4 भाई, बिल्कुल है सर। चलो सर अब इस वाले बच्चे का देखते हैं, इसका एक भाई ये हो गया और सर 1, 2 हो गए 3, 4 है ना और 3 बहनें हैं, 1, 2, 3 बिल्कुल सर क्या दिक्कत है ठीक है। चलो अब इस वाले भाई का देखो 1 भाई 2 भाई 3 4 भाई और कम से कम 3 बहनें, बिल्कुल है सर क्या दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है इसी प्रकार से देखो इस वाले की देखो 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई हो गए और 3 बहनें हैं, हाया ना बिल्कुल है सर। लेकिन सर देखो यहां पर आते हैं इस वाली लड़की के देखो कम से कम 4 भाई 3 बहनें होनी चाहिए। सर देखो 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई सर 5 भी हो सकते क्या दिक्कत है, कम से कम बोला है ज्यादा कितने भी हो, लेकिन सर 3 बहनें करनी है तो देखो इसकी 1 बहन और 2 बहन सर तीसरी बहन कहां है इसकी, तो सर इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर इसीलिए आपको 1 बहन यहां पर और बनानी पड़ेगी। तो इसी के साथ में बाकी जब देखोगे आप सभी के देखो अब इसकी आ जाओ 4 भाई 3 बहनें हैं, इसकी आ जाओ 4 भाई और 3 बहनें हैं बिल्कुल। तो इसीलिए क्लास तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे हमारे, सर वो होंगे 9। तो इसीलिए जो राइट आंसर हुआ क्लास आपका वो क्या हो गया, द 9 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्लास डन। चलो सर जी खाना खा लो, खाओ महेश खाओ मजे हैं आपके। चलो तो 9 इज द राइट आंसर, क्लियर है क्लास। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आपको करना है होमवर्क के अंदर। ठीक है इसको आपको करना है किसमें क्लास, होमवर्क के अंदर। चलो ये करा दूं, चलो होमवर्क में करना है आपको ये ठीक है, ट्राई कीजिएगा ओके। चले आगे बिल्कुल सर, अब देखो अब चलते क्लास हम नेक्स्ट टाइप की ओर, और टाइप नंबर 2 कौन सा था हमारा, कोडेड इक्वेशन, जहां पे रिलेशन को किसमें डाल दिया जाता है क्लास, कोडिंग के अंदर। ठीक है तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर मुश्किल नहीं होता सर, बस थोड़ा सा समझना है आपको। देखो क्या है यहां पर ध्यान से देखो, बस इतना बोला गया है कि देखो पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की मां है, बात समझ आ गई बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या निकला सर कि पी क्यू की क्या है, मां है, बात समझ आ रही है बिल्कुल। चलो डॉलर का मतलब क्या हो गया, मां, ठीक है पर कैसे, इस प्रकार से पी क्यू की माँ है। कभी कभी क्या करते हैं क्लास, पी क्यू है ना तो यहाँ पे उल्टा भी कर देते हैं, तो लैंग्वेज ढंग से पढ़नी है आपको। चलो पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है कि सर पी क्यू का
क्योंकि पति है, क्या का होगा सॉरी, ठीक है, का पति है, बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, तो पति हो गया, तो एट द रेट क्या हो गया आपका सर, पति, बात समझ आई? इस प्रकार के आपके रिलेशन दिए हुए हैं सर, ये तो आपको समझ आ गया, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। सर क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सर वो ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। चलो एक मिनट क्लास, एक कॉल अटेंड कर लूं मैं। चलिए ओके ठीक है, चलिए क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर आ गया हुआ है इस क्वेश्चन का, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। चलें ओके सर, चलो हरकिशन आप तो इंटेलिजेंट, टेंशन क्यों ले रहे हैं सर, बनाए क्वेश्चन को सर, बनाइए, देखो। चलो पी एट द रेट क्यू यानी कि पति, तो P क्या है सर, पति है Q का, तो P अगर सर पति है Q का तो Q क्या होगी सर, पत्नी होगी, हाँ या ना, और दोनों के बीच में क्या लग गया प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि पति पत्नी है। आगे सर Q डॉलर M, Q डॉलर M, डॉलर मतलब माँ, तो Q क्या है क्लास, माँ है, Q जो है ना वो माँ है किसकी, M की, सर M नीचे आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हैश, हैश यानी के पिता, तो सर M क्या हो गया, पिता हो गया T का, M क्या हो गया सर, पिता हो गया किसका, T का, क्लियर है, बिल्कुल। आगे देखो सर P का T से क्या संबंध है, सर आंसर दीजिए, P का T से क्या संबंध है, सर देखो T के पापा की मम्मी के पापा, यानी कि क्या हो गया क्लास, P क्या हो गया आपके, P जो है ना T के क्या हो गए सर, दादा हो गए, बात समझ आई, राइट आंसर दादा। अगर उल्टा पूछ लेता कि टी का क्या संबंध है, तो टी देखो या तो होगी आपकी क्या, पुत्र, सॉरी या पोत्र यानी पोता या पोत्री, जो भी बोलते हैं आप, पोता या पोती, ठीक है, बिल्कुल सर पोता या पोती होगा, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। पर अभी के लिए राइट आंसर क्या है आपका, दादा, डन। चलो सर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो उस फिगर को मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है, ठीक है क्लास, चलो मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि एफ एट द रेट डी, ये था सॉरी, ये तो फिर नया क्वेश्चन आ गया, चलो इसको फिर से बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए बिल्कुल डफर मुंडा, तब पोता या पोती होता, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं सर, एफ एट द रेट डी, देखो एफ एट द रेट का मतलब क्या है सर, पति, तो एफ क्या हो गया सर, एफ हो गया आपका पति हो गया, किसका सर, डी का हो गया, हाँ तो डी क्या हो गया सर, पत्नी हो जाएगी, हाँ। परसेंटेज मतलब क्या, बेटी, तो सर डी जो है ना वो बेटी है, डी क्या है सर, बेटी है किसकी, के की, तो के ऊपर आएगा, डी बेटी है तो, ठीक है। अच्छा फिर है हैश, हैश यानी कि पिता, तो के क्या है क्लास, पिता है, के क्या है, पिता है, किसके पिता, एच के, तो एच तो नीचे आएगा, तो एच यहां पे आएगा, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। एफ का एच से क्या संबंध है, तो सर देखो एफ का, एफ क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, इसका, इसकी बहन है, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर, इसकी क्या है, बहन है, और बहन का पति क्या हो जाएगा सर, जीजा, एच कुछ भी हो, लड़का लड़की हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा सर, द राइट आंसर क्या होगा आपका सर, वो होगा जीजा, आया ना, तो जीजा जी आप इस बार आंसर में आगे, ठीक है। चलिए डन, क्लियर है क्लास। अगर उल्टा पूछता कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो एच या तो साला होता या साली, क्यों, क्योंकि बीवी का भाई होगा साला और बीवी की बहन होगी क्या, साली, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलो नितिन कह रहे हैं सर ये लास्ट में आंसर कैसे देते हैं, नितिन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, एफ का एच से,
एफ का संबंध क्या है कि एफ क्या लगेगा एच का, ये समझना है एफ का एच से, तो एफ क्या लगेगा एच का, बात समझ आई? चलो बिल्कुल बिल्कुल नितिन, अरे वाह, लो नितिन ये लो जीजू, ठीक है ये लीजिए, डन। चलो चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बना सकते हैं आप। कैसे, देखो सर बात करी गई है जी डॉलर एम, सर डॉलर का मतलब क्या है, मां, तो जी क्या होगी क्लास, सर जी हो गई मां, किसकी हो गई सर एम की, है ना। अच्छा फिर है एट द रेट, एट द रेट पति, है ना, तो क्या हो गया सर एम जो है ना वो पति है, एम क्या हो गया सर पति हो गया, किसका पति हो गया सर के का, तो के क्या हो जाएगी सर पत्नी, दोनों क्या हो गए प्लस का साइन लगा दिया। के बाद में क्या है सर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है सर बेटी, तो के क्या है सर बेटी है, किसकी टी की, टी ऊपर आएगा कि बेटी है के, तो है ना बिल्कुल। तो जी का टी से क्या संबंध है सर, जी क्या होगा, देखो ये दोनों कौन है पति पत्नी, हाँ ना, अच्छा पति का, पति की मां हो गई ये, और जो के है ना के या तो टी या तो पापा हो गए मम्मी हो गए, तो सर जी क्या लगेगी सर, देखो जी टी का तो पता नहीं है जेंडर, लेकिन सर कंफर्म है ये तो लड़के की माँ हो गई और ये लड़की की माँ या पापा होगी, तो जी तो क्या बन गई सर, अरे सर वही बन गई क्या समधन, समधन, ठीक है जी समधन जी बन गई हमारी, ठीक है क्लास बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर। अगर आप पूछा जाता आपसे टी का क्या रिश्ता है, तो टी या तो समधि होगा या समधन होगी, हाया ना बिल्कुल। चलो प्लीज रिक्वेस्ट सर, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट सर, रवि किस बात की रिक्वेस्ट, अच्छा सर ऑल सब्जेक्ट टाइम टेबल कहाँ है प्लीज। देखो रवि एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप जैसा जानते हैं कि आरपी की डेट आ चुकी है, और हमने प्रॉमिस किया था कि आपसे आरपी का जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कवर कराया जाएगा, तो कभी कभी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है, ठीक है हमने पहले भी कह दिया था, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। ओके चलो डन, आगे चलते हैं। बाकी देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिया कीजिए, और आपके पास नोटिस मिल जाएगा, ठीक है कि नेक्स्ट क्लास कब है आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे क्लास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो 10 में भी सेम वही चीजें हैं, ये रिश्ते बता रखे हैं आपको, सीधे हम किस पे आते हैं क्लास, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए। चलिए कि सर सी डी, ठीक है, और साइन कौन सा डिवाइड का, तो यानी कि क्या हुआ क्लास कि पत्नी है, तो सर देखो ध्यान से बनाएंगे आप, सर सी जो है ना वो पत्नी हो गई किसकी सर डी की, तो डी क्या हो गया सर पति हो गया, और साइन लग गया बीच में प्लस का। आगे चलते हैं, स्टार का मतलब क्या सर पिता, तो डी क्या है सर डी पिता है किसके एफ के, तो एफ सर नीचे आएगा। आगे चलते एट द रेट, सर बहन है, तो एफ क्या होगी सर बहन होगी किसकी जी की, तो जी यहीं पे आएगी, सेम जनरेशन में बहन है तो। अच्छा फिर क्या है सर डिवाइड यानी कि पत्नी, तो सर जी जो है ना वो पत्नी है किसकी एच की, तो पक्का एच क्या होगा सर पति होगा, हाँ या ना, ये लीजिए सर प्लस का साइन लगा दिया। आगे सर चलते हैं प्लस, प्लस का मतलब क्या है सर यहाँ पे बेटा, तो यानी कि जे एच जो है ना बेटा है किसका जे का, तो जे ऊपर आएगा, हाँ या ना बिल्कुल सर बेटा जे ऊपर आएगा। फिर है माइनस, माइनस यानी कि पति, तो सर यहां पे क्या है, क्या यहां पे जे जो है ना पति है, बस समझ आ रही है जे क्या है आपका पति है, ठीक है क्लास, और पति है किसका के का, तो के क्या होगी सर पत्नी होगी, ये लीजिए डन बिल्कुल सर क्लियर है। यहां पे लग गया देखो इन्वर्टेड कोमास, सॉरी आपके हाइफन जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये रही। अब दोबारा बनानी है आपको, आई और एच को देखना है, ठीक है, आई प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है सर बेटा, तो आई क्या हो गया सर बेटा हो गया, इसको मैं क्या करता हूं यहां बना देता हूं छोटा सा, ठीक है इस बॉक्स में। चलो आई क्या है सर, सर आई जो है ना वो बेटा है किसका एच का, तो सर आई जो है ना वो बेटा हो गया किसका एच का, एच ऊपर आ गया, बात समझ आ रही है बिल्कुल सर समझ आ रही है। चलो स्टार यानी कि पिता, तो देखो एच जो है ना पिता हो गए किसके एल के, सर एल यहां पर आएगा नीचे, पिता है ना बिल्कुल सर, तो पिता है तो क्या हो गया ट्राइंगल में बंद, बिल्कुल सर ठीक है क्लियर है इतना। आगे चलते सर एल
परसेंटेज, परसेंटेज यानी कि माँ, तो इनके एल क्या है सर, माँ है, किसकी माँ है सर, तो एल जो है सर माँ है किसकी, एन की, तो सर एन यानी कि ऊपर आएगा, और दोनों ये भाई बहन हो गए, ये इसके पापा है तो पक्का ये क्या होगी, मम्मी होगी, और बीच में लग गया क्या, प्लस, ठीक है। कॉपीराइट का साइन है सर क्या है, बेटी, तो एन क्या है, बेटी है सर, एन बेटी किसकी, एम की, तो एम कहां आएगा सर, ऊपर आएगा, बस समझ आ गई, बिल्कुल सर, एन कहां आएगा, ऊपर आएगा, क्लियर है क्लास, ठीक है, चलो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, रीजनिंग विद सुनील सर, ठीक है, ठीक है रवि, क्लियर है, चलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, कितना अच्छा वाक्य है आपका, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा नितिन समझ आएगा, चीजों को ध्यान से देखो, इकलौते आप ही को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, बाकी सारे आए ना, बस ये भी आएगा, देखो अब इसको जोड़ना है, एच यहाँ पर सर, एच ए रहा, एच के नीचे क्या आया सर, आई, ठीक है, चलो आई के बगल में क्या हो गया सर, एल होगी बहन, एच की बीवी कौन है, सॉरी पति कौन, पत्नी कौन है सर, एन, बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल, और सर एन की, एन का पेरेंट्स में कौन आएगा सर, एम आएगा सर, ये बनेगा राइट फिगर, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देते हैं, देखो आंसर, सी का एल से क्या संबंध है, ठीक है, सी का एल से सर, सी ये रहा तो सर एल का क्या लगेगा, ओहो देखो सर, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, पति पत्नी है, इनकी बेटी है ना, अच्छा बेटी है ये वाली, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर, क्लियर है, हाँ चलो सर, ये भी नीचे क्या है, बेटी तो है, हाँ या ना, बेटी है, बिल्कुल, अच्छा तो देखो सी का एल से पूछा है तो सी की बेटी हो गई जी, है ना, अच्छा बेटी का पति हो गया एच, और एच की क्या हो गई, बेटी, एच की क्या होगी सर, बेटी, है ना, तो यानी के सीधी सी बात है कि सी की बेटी की बेटी, सी की बेटी की बेटी, तो सी क्या होगी सर, सी हो गई नानी, हाँ या ना, बिल्कुल सर, सी हो गई आपकी नानी, बात समझ आ रहा है, बिल्कुल निर्मा कंफ्यूज तो हो गए, जब आपने पूरी क्लास समझ ली है और बिल्कुल एंड में आ रहे हैं टॉपिक के हम, तो क्या क्वेश्चन अच्छा नहीं लेंगे हम, है ना, बिल्कुल, चलो निर्मा इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे आप तो आसानी से समझ आएगा आपको, ठीक है, चलो क्लियर है क्लास, डन, तो इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे आप तो डेफिनेटली समझ आएगा आपको, और लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर, जी का एम से क्या संबंध है, तो जी ये रहा, एम का है सर, सर एम तो वो रहा, तो देखो जी का पति है ना, बात समझ आ रही है, बिल्कुल, एक मिनट, एच का एन हो गया, हाँ ये अलग होगा, ठीक है, तो प्लस नहीं लगेगा ना शायद, चलो ठीक है, हाँ पत्नी थी क्लास ही, एन इसके नीचे आएगा, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे उसको, ठीक है, चलो तो जी का एम से क्या संबंध है, ऑप्शन दूं आपको, ये लीजिए सर ऑप्शन, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसकी बेटी थी ना, अच्छा एन के, एन किसकी, देखो एन जो था आपका, एन जो था वो, जस्ट वेट, हाँ देखो ध्यान से, एन क्या था क्लास आपका, एन बेटी थी आपकी, ध्यान से देखो, एन क्या, डॉलर, कॉपीराइट देखो क्या है यहाँ पर, कॉपीराइट था यहाँ पर बेटी, तो एन क्या थी, बेटी, बेटी इसके नीचे आता, ठीक है, बिल्कुल बेटी, और बेटी का कौन है फिर, देखो आगे क्या था क्लास, एम किसकी बेटी, एम की, तो एम की बेटी है, तो एम यहाँ बनेगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, चलो राइट आंसर क्या हुआ क्लास, जी का एम से, जी का एम से पूछा है, देखो जी का पति है ना, अच्छा पत्नी की बेटी है,
ये रही एल और एल का पति, तो कौन हो गया? दामाद। बिल्कुल सर, राइट आंसर विल बी दामाद। ठीक है, चलो काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, मैं मानता हूं थोड़ा सा लॉजिकल होता है ये क्वेश्चन, लेकिन टेंशन मत लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप मैंने बोला तीन टाइप होंगे, तो दो टाइप हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं टाइप नंबर तीन की ओर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लिए जिसने, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके दो क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए थे क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का होता है और वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है शिव शक्ति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखते हैं अब हम। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सर, मुझे पता है इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर ही लेकर जाएंगे और तभी आप इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। मुझे पता है, और तब इसका आप आंसर देंगे तो क्या देंगे कि देखो, आप एक महिला की ओर इशारा कर दो, व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मेरे पुत्र, मेरे बेटे के दादा यानी कि मेरे पापा इकलौती पुत्र वधु कौन होगी, तो मेरे पापा की पुत्र वधु, पुत्र मैं हूं और मेरी वधु उनकी, सॉरी पुत्र वधु यानी कि मेरी बीवी, यानी कि वो मेरी क्या लगेगी सर, वाइफ लगेगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर, वाइफ लगेगी। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अपने ऊपर लेकर देंगे तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन 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 हर बार चीज आपके काम नहीं आएगी डेफिनेटली। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे आप कि सर यहाँ पे देखो रिश्ते कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सर यहाँ पे जो रिश्ते स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सर, वो हो रहे हैं कहां से, मेरे पुत्र से। ठीक है, अब यहां से आप नंबरिंग करना शुरू करेंगे क्लास। ठीक है, और देखो सबसे पहले मेरे यानी कि मैं नंबर एक, पुत्र नंबर दो, दादा नंबर तीन और इकलौती पुत्र वधु नंबर चार। कुल कितने रिश्ते हैं क्लास यहां पे? चार रिश्ते हैं। सीधी सी बात है, आपको नंबरिंग करनी है बस। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करनी है क्लास, नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आप देखो मेरे, मेरे यानी कि व्यक्ति है ना, और व्यक्ति कौन है क्लास सर, व्यक्ति है मेल, है ना मेल? बिल्कुल सर मेल है, जस्ट वेट क्लास एक, चलो व्यक्ति क्या है क्लास, मेल। अच्छा मेरे पुत्र के, ये व्यक्ति मेल है, ये लीजिए सर मेरा पुत्र, पुत्र यानी कि नंबर दो, देखो मैं यानी कि खुद, तो ये नंबर एक हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा मेरा पुत्र नंबर दो नीचे आएगा, बिल्कुल सर पुत्र है तो नीचे आएगा नंबर दो के दादा, तो मेरे बेटे के पापा का मैं हो गया और उसकी भी पापा यानी कि तीन ऊपर दादा यहां आ गया, और दादा किसमें आएगा सर, ट्राइंगल में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। की इकलौती पुत्र वधु सर, इनके पुत्र की वधु यानी कि यहां पर नंबर फोर आएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, ये दोनों पति पत्नी हैं। और पूछा क्या गया क्लास, देखो जहां भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, वो हमेशा एंड में होगा, तो जहां पर आपका फिगर बनाओगे वो जहां पर खत्म होगा, जहां पर एंड होगा, उसी के बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा। और देखो महिला का व्यक्ति से पूछा है, तो ये महिला जो है, ये जो महिला है, ये इस व्यक्ति की क्या लगेगी क्लास सर, बीवी लग रही है, तो राइट आंसर क्या हो गया सर, वाइफ हो गया। राइट आंसर विल बी वाइफ, ठीक है, पत्नी। तो इस प्रकार से आप आंसर देंगे तो आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? डन है? बिल्कुल। क्यों बताया मैंने लॉजिक सर, मैं बताता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चंस में देखो आपको दिक्कत आएगी फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन फिर कराता हूं मैं, कि सुमन की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, सुमन की मां, अब देखो कॉमा लग गया सर, एक रिश्ता तो ये रहा और सर एक रिश्ता यहां से शुरू हो रहा है, मेरे पिता के पिता की पत्नी, बड़ा कौन सा है सर, सुमन वाला या मेरे पिता वाला, ये वाला सर, ये वाला रिश्ता बड़ा है। ठीक है, तो यहां से लेंगे हम सर, कुछ भी नहीं करना, नंबरिंग करनी है, मेरा यानी कि एक, पिता हो गया दो, उसके पिता तीन और की पत्नी क्या हो गया सर, चार। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो दीपक कह रहा है, दीपक यानी कि डी बोल दूं मैं उसको, और कौन है मेरे, डी यानी कि वन, चलो दीपक हो गया डी वन, ठीक है डी वन हो गया। अच्छा के पिता, पिता कौन होंगे सर, पापा ऊपर आएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा के पिता नंबर तीन, इससे भी ऊपर आएगा, तो इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं हम। ठीक है, चलो ये हो गया, इनके पिता ये हो गए, इनके भी पिता सर ये हो गए। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। की पत्नी सर, इनकी पत्नी कौन होगी, ये
बात समझ आई? और मैंने क्या बोला कि जहां पे फिगर खत्म होता है, देखो फिगर कहां पे एंड हुआ सर, नंबर चार पर, हाँ या ना? और ये कौन है, अब इस वाली देखो इसको, सुमन की माँ। तो ये औरत कौन है सर, ये जो औरत है ना, ये कौन है, ये सुमन की क्या है सर, माँ है। कौन है ये, सुमन की माँ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया सर कि सुमन का, ये कौन है, सुमन की माँ है। तो एक काम करो सर, क्या करना है हमें, सुमन की माँ है ना, सुमन कहां आएगी, इसके नीचे आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल सर सुमन इसके नीचे आएगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो बस सीधी सी बात है कि दीपक का सुमन से क्या रिश्ता है, ये तो बोला है कि सॉरी, तब सुमन का, इस सुमन का दीपक से क्या रिश्ता है। तो देखो ये दोनों पति पत्नी है, बात समझ आ रही है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा, दोनों कौन हो गया आपस में, क्या हो गया क्लास, भाई बहन, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, क्या होगी क्लास, भाई बहन हो गए नहीं हो गए, बिल्कुल सर। और ये इसका बेटा है, देखो दीपक के पापा की बहन क्या लगेगी सर जी, बुआ लगेंगी, है ना, चलो तो बुलाएंगे इन्हें हम किस पर, भैया दूज पर, चलिए बुआ जी इज द राइट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, भतीजा नहीं क्लास, डफस सुमन का दीपक से पूछा है, सुमन क्या लगेगी, दीपक नहीं सुमन क्या लगेगी सर, सुमन तो बुआ लगेगी, दीपक के पापा की बहन, खत्म बात, बिल्कुल। चलो ऐसे क्वेश्चन क्लास प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चलो तो प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से, चलो देखो, हेमा की ओर इशारा करते हुए नितिन कहता है, हेमा की ओर इशारा करते हुए नितिन कहता है, ठीक है नितिन ध्यान सुनेंगे आप, कि हेमा की माँ, चलो छोटा रिश्ता है छोड़ो इसे, यहां से देखते हैं, इसे नंबरिंग करो, मेरे दादा की इकलौती पुत्रवधू, और इन क्वेश्चन को आप अपने ऊपर लेंगे तब तक तो सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। तो सर मेरे यानी कौन है, नितिन, तो नितिन को एन बोल दिया मैंने, और वन है ना, चलो के दादा कौन होंगे सर, नितिन के पापा के पापा कौन हो गया, नंबर दो, बात समझ आ रही है, कि इकलौती पुत्रवधु सर, इसकी इकलौती पुत्रवधु यानी कि एक ही पुत्र होगा, उसकी क्या होगी, बीवी होगी, चलो इकलौती पुत्रवधु यानी कि बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ सर, यहां पर कौन आएगा आपका, ये नंबर फोर आ गया, ठीक है बात समझ आ रही है, बिल्कुल। और ये है कौन सर, हेमा की माँ है, किसकी माँ है सर, ये हेमा की माँ है, तो हेमा कहाँ आएगी सर, इसके नीचे आएगी, बात समझ आ रही है, बिल्कुल। नाम से देखो, अभी तो नाम से बोल रहे हैं, बाकी हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है, वहां पे आपको नाम नहीं देगा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए नाम दिए हैं, वहां पे सिर्फ आपको व्यक्ति मिलेगा और क्या मिलेगा, मतलब पुरुष और औरत मिलेगी, तो वहां पे क्लास आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इतना समझ आ गया, बिल्कुल। तब हेमा का नितिन से क्या संबंध है, हेमा का नितिन से क्या संबंध, जल्दी से बताएंगे क्लास साहब, हेमा का नितिन से, सीधी सी बात है, दोनों पति पत्नी हैं, हेमा इसकी बेटी है, नितिन इसका बेटा है, तो दोनों बीच में क्या लग गया सर, भाई बहन। और हेमा के बारे में पूछा गया है सर, हेमा क्या हो गई सर, हेमा हो गई हमारी क्या, बहन, तो बहन इज द राइट आंसर, क्लियर है, बहन आपका क्या हुआ क्लास, राइट आंसर, डन, चलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चंस को क्लास आप जैसे जैसे अपने ऊपर लेंगे तो दिक्कतें आएंगी, अब इस क्वेश्चन को आप लेके देखना तब पता लगेगा क्या होगा रिश्ता, ठीक है। चलो ओके, मनमोहन, दिनेश, सरोज, ओके डन है सर, बिल्कुल अच्छे से। चलो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है क्या, कि मेरे मामा, तो सर रिश्ता कहां से स्टार्ट करना है हमको, देखो यहां से, मेरे मामा, ठीक है पहला रिश्ता, मामा दूसरा हो गया, ठीक है अच्छा एक मिनट, ठीक है तो यहां पे देखो मेरे मामा ये छोटा रिश्ता है, और फिर नेक्स्ट रिश्ता यहां से शुरू हो रहा है, तो कहां से बनाएंगे क्लास, कहां से बनाएंगे, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स पे आंसर आना चाहिए इसका,
चलिए चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। आंसर मुझे मिला नहीं किसी का, ठीक है। मैंने कहा था ना कि अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये छोटा रिश्ता ये बड़े वाला, बड़े से बनाते हैं सर। नंबरिंग कर दो, कुछ नहीं करना। देखो उसका एक मामा, दो के मामा, तीन एक ही है, ये तो बोला इसने। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो देखो क्लास कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखेंगे आप। एक लड़के की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। लड़के इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहती है क्लास? एक महिला कह रही है क्या? तो देखो एक महिला कुछ कह रही है आपसे कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा एक ही हैं, है ना? अच्छा क्वेश्चन। चल अरे वाह क्या बात है, डफर मुंडा। और ठीक है डफर मुंडा का आंसर आ चुका है, देखते हैं डफर। ठीक है चलो स्टार्ट करें। देखो मेरे मामा, ये महिला कह रही है ना, लेकिन उसके मामा, उसके यानी कि लड़की की बात हो रही है, बॉय की। तो ये बॉय लिया था हमने, बॉय लिया फर्स्ट, ठीक है बॉय वन। चलो लड़का, उसके मामा कौन होंगे सर? इसकी मम्मी का भाई, आया ना? बिल्कुल सर, नंबर दो, मम्मी का भाई होगा, बिल्कुल। के मामा, अब इसके मामा कौन होंगे क्लास? इसकी मम्मी का भाई, यही तो होगा सर, बिल्कुल। बात समझ आ गई? और ये किसका मामा है क्लास, किसके मामा है जल्दी से बताएंगे? ठीक है बिल्कुल सर, ये तो बोला गया है आपसे, ठीक है। एक लड़का कहता है कि एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है, क्या कह रही है? कि मेरे मामा और उसके मामा, यानी कि बॉय के मामा, बॉय के मामा कौन होगा? ये मम्मी का भाई के मामा, ये हो गया। और ये किसके मामा है? लास्ट में स्टेटमेंट कहा खत्म हुई क्लास सर, इसके ऊपर आया ना। और ये किसके मामा है सर? मेरे मामा, मेरे यानी के ये महिला के भी मामा है। और महिला के मामा कैसे होंगे क्लास? जब जब आपकी क्या होगी, एक महिला होगी, ठीक है, महिला की क्या होगी? मम्मी होगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, महिला होगी और महिला के ऊपर क्या होगी? इसकी मम्मी होगी। बात समझ आ रही है? ये कौन होगी? आपकी महिला। चलो उसकी मम्मी का भाई, तभी तो होगा। बिल्कुल सर, दोनों क्या है आपके? एक ही। एक मिनट, चलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर समझ आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है सर? इस महिला का पूछा गया है इस व्यक्ति के साथ में, तो क्या संबंध होगा? ठीक है क्या संबंध होगा? तो देखो ये तो आपस में क्या हो गए क्लास, भाई बहन हो गए, है ना? भाई बहन हो गए ना, बिल्कुल। तो देखो लड़के के मामा के मामा, ठीक है, उसकी बहन हो गई ये, और बहन की बेटी ये हो गई। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, बहन की बेटी ये हो गई। तो ये बॉय की, तो महिला बॉय की क्या लगेगी? तो देखो सर ऊपर मामा है, अच्छा ये बहन है, बहन की बेटी यहां पर नीचे कहीं आएगी इनकी, ठीक है बिल्कुल। तो सर किसका मतलब क्या हुआ कि मामा है यहाँ पे, है ना, मामा है और मामा की बहन, मामा की बहन। और सर मामा की बहन क्या होगी? हमारी मौसी, है ना, यही तो होगी सर, सर मौसी होगी। लेकिन सर लेकिन 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 अगर ये अगर ये अगर ये इसकी सगी बहन हुई, सॉरी इसके नीचे आई तो होगी, अगर अलग है तो सर क्या पता क्या पता क्या पता ये जो महिला है इसकी शादी हो गई हो इसके साथ में, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल दोनों हो सकता है सर, मौसी भी हो सकती है और माँ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे सीजन ने पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों ने छूटते क्या आंसर दिया? सर जी मौसी होगी, लेकिन ऑप्शन में वहां पे क्या था, मौसी या माँ, और ए और बी दोनों, तो बी ए और बी दोनों आंसर थे, ठीक है। डन है क्लास? बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मौसी भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाएंगे घर पे, एक बार नहीं दो तीन बार बनाएंगे तभी क्वेश्चन समझ आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। चलो
ठीक है, चलो ओके क्लास, डन है इतना। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर क्लास हम ऑफ करते हैं हमारी, ठीक है। इसी के साथ में हमने अपना कलेंट सॉरी रक्त संबंध का पूरा चैप्टर ओवर कर दिया, फिनिश कर दिया, ओके। चलो बिल्कुल बिल्कुल डफर, ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन आपको तो राइट आंसर देना चाहिए था कि सर मौसी भी हो सकती है और माँ भी। चलो, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है क्या उसकी सास, सर इसको छोड़ो, छोटी स्टेटमेंट यहां से लो, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती क्या है क्लास, पुत्र वधु है। बात समझ आ रही है, मेरे यानी कि एक महिला के चित्र की इशारा करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति यानी कि मेल हो गया सर, वन मान लिया, वन है ना यहाँ पे मेरे। चलो, मेरे पुत्र, पुत्र नीचे आएगा सर, के दादा ऊपर आएगा नंबर तीन, पापा का पापा, की इकलौती पुत्र वधु बेटे की वाइफ, बेटे की क्या होगी सर, वाइफ हो गई, हाँ या ना। और ये औरत है कौन क्लास, ये जो महिला है ना, ये कौन है, ये कौन है उसकी सास, किसकी किसकी सास है क्लास, कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कह रहा है, तो किसकी सास है, महिला की सास है, किसकी सास है क्लास, ये सर ये जो है ना, ये हमारी महिला की सास है। मैंने बोला ना, जो पूछा गया होगा ना आपसे वहां पे खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, महिला की सास है, है ना। तो महिला की सास कैसे बनेगी सर, जब इसके बेटे की वाइफ होगी, इसके बेटे की वाइफ होगी, हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसके बेटे की वाइफ। अब जरूरी है कि वो बेटा यही हो, क्या पता कोई दूसरा बेटा हो उसकी वाइफ हो, संभावना है, बिल्कुल सर। चलो, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं यहां पे अभी बना के चलते हैं, ये क्या वो महिला हो गई, ये कौन होगी, वो महिला, ठीक है। चलो, ये मैन हो गया और ये वो महिला हो गई, ठीक है। चलो डन है क्लास, बिल्कुल ठीक है। तो महिला का व्यक्ति से, इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो देखो अगर ये इसकी पत्नी ही हुई, अगर ये इसकी पत्नी ही हुई तो महिला क्या लगेगी इसकी सर, पुत्र वधु, हाँ या ना, बिल्कुल सर, महिला क्या लगेगी इसकी, पुत्र वधु लगेगी, क्योंकि सर इकलौती तो था, इकलौती पुत्र वधु थी, बिल्कुल, यानी कि इनके कोई और बेटे नहीं थे। चलो, तो सर यहां पे क्या राइट आंसर होगा कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये महिला जो है ना, इस व्यक्ति की क्या लगेगी सर, बेटे की वाइफ, द राइट आंसर विल बी पुत्र वधु, द राइट आंसर विल बी पुत्र वधु, ठीक है, यानी कि बेटे की वाइफ, क्लियर है। चलो, क्लियर है क्लास, कुछ भी नहीं था इसमें, देखो आप कह रहे सर रिपीट करो, एक बार देखो यहां पे ध्यान से, महिला के चित्र को इशारा करते हुए, मैं फिर से बना देता हूं फटाक से, जल्दी से देखेंगे आप, ठीक है। चलो देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति, और वो कौन है, देखो मैंने बोला ना, छोटे रिश्ते को छोड़ के बड़े पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, मेरा एक पुत्र, दो दादा, तीन इकलौती पुत्र, दो चार, ठीक है। तो मेरा यानी कि एक, ये हो गया एक, ये कौन है, व्यक्ति है, का पुत्र कौन होगा सर, पुत्र नीचे आएगा दो, का दादा कौन होगा सर ऊपर यहां पर तीन, और की इकलौती पुत्र वधु, सर इसकी इकलौती पुत्र वधु है, हाँ या ना, बिल्कुल सर इकलौती पुत्र वधु है। तो देखिए, जब इकलौती पुत्र वधु है इसका मतलब क्या, उसके बेटे की वाइफ, यानी कि फोर हो गया नंबर चार, और ये है कौन क्लास, ये उसकी सास, किसकी सास, महिला की सास, यानी कि ये कौन है क्लास सर, ये है आपकी उस महिला की सास है। तो ये सास बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सर, देखो महिला को, महिला की सास बनने के लिए महिला को क्या करना पड़ेगा सर, महिला को पहले उनके बेटे से शादी करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो सास बन पाएगी, ये होगी महिला, बात समझ आ गई, बिल्कुल सर, तब जाके बनेगी। और महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो सर देखो बेटे की वाइफ क्या होगी सर, पुत्र वधु, क्लियर है, ठीक है डफर। चलो निर्मल समझ आएगा आप देखो, ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छे लेवल के लोगे तो सर थोड़ा सा पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको घर के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, ठीक है, मुश्किल नहीं लगेगा क्लास, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है,
प्रैक्टिस तो चाहिए आपको। अगर आप नए तरीके से कर रहे हैं, देखो मेघा की ओर इशारा करते हुए सुनील कहता है क्या उसके पिता, छोटा स्टेटमेंट छोड़ो, मेरे पुत्र एक दो की माँ तीन के पिता चार, बात समझ आ रही है। तो देखो सर मेरा यानी के वो कौन कह रहा है, सुनील, ये लो सर मेरा एक पर ले लिया, ठीक है चलो। पुत्र, इसका पुत्र क्या हुआ सर, दो नीचे आएगा, पुत्र है तो ट्राइंगल, की माँ यानी कि इसकी पत्नी क्या होगी सर, नंबर तीन पर आएगी, के पिता सर इसके पिता ऊपर आएंगे चार, बात समझ आ रही है ठीक है। और यहां पे खत्म हुआ लास्ट में वही पे, देखो ये खत्म कहां पे हुआ, इस फोर के ऊपर, बात समझ आ रही है बिल्कुल सर। और ये क्या है देखो, ये क्या है उसके पिता, किसके पिता है क्लास, ये मेघा की ओर इशारा करते हुए सुनील कह रहा है कि ये किसके पिता है, मेघा के पिता है, किसके पिता है क्लास, ये मेघा के पिता है, बात समझ आ रही है बिल्कुल सर, मेघा के क्या है ये पिता है ठीक है बिल्कुल। और मेघा के पिता है क्लास, सीधी सी बात है, अगर ये मेघा के पिता हैं तो खुद सोच के देखो क्या होगा। तो सर देखो मेघा के पिता इसकी देखो पुत्री है ना, तो सर या तो मेघा यही होगी, या तो मेघा ये होगी, और क्या पता कि मेघा कोई और बेटी, दो बेटियां हो इसकी, ऐसा पॉसिबल है ना, बिल्कुल सर ऐसा पॉसिबल है कि क्या पता यही मेघा हो। अगर सर यही मेघा हुई तो इस सुनील की क्या बन जाएगी, ये सर वाइफ बन जाएगी यानी के पत्नी, क्लियर है। लेकिन अगर अगर ये दूसरी बेटी हुई तो सुनील की क्या बन जाएगी सर, ये सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी के साली बन जाएगी, बात समझ आई, क्या मुश्किल था बताओ, बिल्कुल बिल्कुल साली है वाइफ ठीक है। तो मैं आपको पता है हमेशा दो पहलू क्यों बताता हूं, अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा तब क्या करोगे आप, तो आप तो सीधा वाइफ पे आंसर दे आओगे ठीक है, और बाकी आपको ऑप्शन से आता है ठीक है। क्लास डन है इतना, चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, के बाद क्लास खत्म करते हैं अपनी हम ठीक है। चलो व्यक्ति के पुत्र के दादा की पत्नी महिला के भाई की पत्नी है, बड़ा रिश्ता कौन सा है वो आप अपने नजरिए से देखो, किसी से भी बनाओ रिश्ता आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। चलो ठीक है बनाए, चलो मैं बना देता हूं ठीक है ओके। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा रिश्ता कौन सा है सर, महिला का भाई की पत्नी, व्यक्ति के पुत्र के दादा की पत्नी, ये रिश्ता बड़ा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर एक नंबरिंग करनी है, व्यक्ति के पुत्र, नंबर दो के दादा, नंबर तीन पत्नी, नंबर चार ठीक है चलो बनाए ओके। तो देखो सर व्यक्ति, व्यक्ति हो गया यहां पर, और क्या रिश्ता दिया इसका, नंबर दिया नंबर एक, चलो सर व्यक्ति का पुत्र नंबर दो होगा सर, नीचे आएगा पुत्र, तो बात समझ आ रही है कि दादा को लोगे सर, इसके पापा के पापा नंबर तीन की पत्नी नंबर चार, बात समझ आ गया बिल्कुल सर। और ये है कौन, ये कौन है ये औरत, महिला के भाई की पत्नी है सर, ये क्या है महिला के भाई की, देखो ध्यान से देखो, कोई महिला है ना, उसका भाई है, उसकी क्या है सर पत्नी है नंबर चार, बात समझ आ रही है बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है, आया ना, हां जी ठीक है। अब देखो देखो महिला के, महिला के भाई, चलो महिला का भाई कौन है क्या, सॉरी महिला का पति कौन है सर, नंबर तीन, हाँ या ना, और इसकी बहन क्या होगी, महिला हो जाएगी नहीं होगी, बिल्कुल सर महिला हो जाएगी, हाँ या ना बिल्कुल। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है सर, महिला जो है ना वो इस व्यक्ति क्या लगेगी, व्यक्ति के पापा की मम्मी यानी के सॉरी पापा की बहन, तो क्या बन गई क्लास सर, बुआ बन गई है ना, क्या बन गई सर जी, बुआ बन गई, बात समझ आ रही है बिल्कुल सर, समझ आ रही है ठीक है डन है बिल्कुल क्लियर है क्लास, हाँ जी सर क्लियर है। लेकिन सोच के देखो कि अगर अगर इसका कोई सॉरी फोर हो गया आपका, तो पति कौन होगा सर, पति तो सर नंबर तीन फिक्स है यहां पर, यहां पर संभावना नहीं बन रही, आप ये नहीं कर दोगे कि चारा कोई और पति हो सकता है, नहीं पति तो फिक्स कर रखा है यहां पर, और पति तो बनाया तो नंबर तीन तो यही आएगा आपका, और ये हो गया आपकी क्या महिला, तो इसलिए महिला राइट आंसर क्या हुआ क्लास, आपका बुआ जो हुआ आपका वो क्या हो गया राइट आंसर ठीक है क्लियर है क्लास। तो इसी के साथ में आज आपने ब्लड रिलेशन का चैप्टर फिनिश किया,
ठीक है। और ये हमारी छोटी सी फैमिली थी जिसको आज हमने अच्छे से पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि कैसी लगी आपको आज की क्लास, कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। ओके, चलो जल्दी से कमेंट करेंगे कैसी लगी आपको आज की क्लास। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल की आपकी ऑफ होगी, ठीक है, परसों लगेगी आपकी क्लास ट्यूसडे को, ठीक है। चलो ओके, गुड मॉर्निंग राम किशोर, चलिए ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन की ओर, ठीक है। कतई जहर लगी नहीं लगी चलो कोई बात नहीं।